चलिए चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? अगर क्लियर हो तो इंटीमेट कर दें। चलिए, तो कल हम लोग जो है आपके स्लिप रिंग रोटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। स्लिप रिंग रोटर का मैंने आपको सिमेटिक डायग्राम बनवा दिया था और उस सिमेटिक डायग्राम में कई सारे कंपोनेंट के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना था, ठीक है। तो मैं डायग्राम आपका जल्दी से बना देता हूं और बनाने के बाद मैं आपका जो है सिमेटिक डायग्राम में आपका जो है जो कार्बन ब्रशेज होती है, ठीक है, वो कार्बन की क्यों ली जाती है, उसके बाद शाफ्ट आपके जो है हमेशा छोटे क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जो भी आपकी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो आपने हेडिंग डा या आपने जो है सिमेटिक डायग्राम बना रखा था, मैं बना देता हूं जल्दी से आपको समझाने के लिए, ठीक है। ओहो, क्या दिख रहा है? एक्चुअली मैं थोड़ा सा नए सॉफ्टवेयर में पढ़ा रहा हूं, तो अगर आपको देखने में कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा तुरंत, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से सभी चीज फाइनली ओके होंगी, ठीक है। That is symmetric diagram of slip ring induction motor. Hello. ज्वाइन नहीं हो रहे बेटा? ज्वाइन तो है सारे बच्चे जो है, आप आईडी पासवर्ड डालो जो है। नहीं लगा बेटा, 78 स्टूडेंट्स है, तुम ज्वाइन तो करोगे? हाँ ज्वाइन करो उसको। चलो, इंडक्शन मोटर सीमेटिक डायग्राम ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो आप देखेंगे इंडक्शन मोटर में दो पार्ट होंगे आपके, एक कोई स्टेटर होगा, दूसरा रोटर होगा। स्टेटर में हम लोग थ्री फेज सप्लाई देते हैं, और जब थ्री फेज सप्लाई देते हैं तो थ्री फेज वाइंडिंग विल बी देयर। और जो स्टेटर में थ्री फेज वाइंडिंग होती है वो स्टार या फिर डेल्टा किसी भी कनेक्शन में क्या होती है, कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा स्टार में ही कनेक्ट कर सकते हैं, स्टार या फिर डेल्टा किसी भी कनेक्शन में आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आपके वाइंडिंग आप फिगर बना चुके हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। नाउ आई कैन बी टेक ए थ्री फेज सप्लाई, दिस इज ए थ्री फेज सप्लाई आई कैन बी कंसीडर। ये आपकी स्टेटर की वाइंडिंग है और इसको मैं स्टार पे कनेक्ट कर देता हूं, स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर देता हूं। और दिस इज ए थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज वाइंडिंग नॉट सप्लाई विच इज कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन। ये आप मान सकते हैं आर फेज है, ये आपका वाई फेज है, नाउ दिस इज योर बी फेज।
ठीक है, नाउ दिस इज योर थ्री फेज सप्लाई, दिस इज ए थ्री फेज सप्लाई। स्टेटर की वाइंडिंग को मैंने स्टार कनेक्शन में बेटा क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस इज द स्टेटर, स्टेटर वाइंडिंग, ठीक है, ये आपकी स्टेटर की वाइंडिंग हो गई। और यहां से आप थ्री फेज सप्लाई में क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले, दैट इज थ्री फेज एसी सप्लाई विल बी फेड। यहां पर आप जो है थ्री फेज एसी सप्लाई स्टेटर में आप देंगे, थ्री फेज एसी सप्लाई, दिस इज थ्री फेज एसी सप्लाई इज अप्लाई। स्टेटर की वाइंडिंग में आप थ्री फेज सप्लाई देंगे, ठीक है ना। जो रोटर होता है आपके स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में, रोटर में आप क्या करते हैं, वाइंडिंग यूज करते हैं। और जो है सेम जितनी आपका जो है स्टेटर में अगर थ्री फेज वाइंडिंग है तो आपका थ्री फेज वाइंडिंग हम लोग कहां भी करते हैं, रोटर में। और ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि रोटर में जो थ्री फेज वाइंडिंग होती है वो हमेशा स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं, बिकॉज आपका स्टार कनेक्शन में पर फेज इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल, यहीं से स्टार्ट कराया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपका जो है दैट इज स्टेटर की वाइंडिंग हो गई, अब मैं रोटर की थ्री फेज वाइंडिंग आपका कनेक्ट, रोटर में भी थ्री फेज वाइंडिंग होगी और उस वाइंडिंग को मैं स्टार कनेक्शन में क्या करने वाला हूँ, कनेक्ट करने वाला हूँ। Now I can be connected a three phase winding of the rotor which is always connected in star connection. ठीक है, अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है तो कल हम लोग क्लास में कल एक घंटे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, और जितना भी मैंने आपको पढ़ाया उससे आप देखें कम से कम 50 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आए हैं, वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन आप देखें कम से कम कल मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में अभी तक जितना पढ़ाया है। पहले हम लोग क्लास करेंगे 3:30 बजे तक, 3:30 बजे के बाद एक घंटे तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है। तो कल मैं आपको सीट जो है भेज दूंगा इंडक्शन मशीन की। नाउ दिस इज ए रोटर, ठीक है, ये आपका जो है रोटर है, और रोटर की थ्री फेज वाइंडिंग को आपने किस कनेक्शन में कनेक्ट कर रखा है, स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर रखा है। नाउ इट इज कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन, नाउ दिस इज ए रोटर वाइंडिंग, ठीक है, दिस इज ए रोटर वाइंडिंग विच आर ऑलवेज कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन, रोटर वाइंडिंग, ठीक है। चलो अब आप देखेंगे कि जो रोटर होता है, रोटर में आपकी जो है, जब आप जो है स्टेटर में थ्री फेज इनपुट पावर सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिकल पावर देंगे, तो रोटर की वाइंडिंग में कुछ क्या हो जाएगा, आपके स्टेटर की वाइंडिंग में कुछ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस होने के बाद ये जो पावर है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर रोटर में ट्रांसफर हो जाएगी, और रोटर में इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर होने के बाद रोटर की वाइंडिंग में क्या होगा, लॉस होगा। लॉस होने के बाद जो इलेक्ट्रिकल पावर बचेगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगी, और रोटर के अंदर ये जो मैकेनिकल पावर डेवलप होती है, इस मैकेनिकल पावर को रोटर से निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट का यूज करते हैं। तो नाउ आई कैन बी टेक इट ए शाफ्ट, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूँ, शाफ्ट कनेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। नाउ आई कैन बी टेक इट ए शाफ्ट, रोटर की जो रोटर के अंदर जो इंटरनली मैकेनिकल पावर डेवलप होगी उस मैकेनिकल पावर को आप जो है बाहर लाने के लिए क्या करते हैं, शाफ्ट का यूज करते हैं। तो नाउ आई कैन बी टेक इट ए शाफ्ट, ठीक है। तो यहां मैं आपका शाफ्ट कनेक्ट कर रहा हूं, दिस इज ए शाफ्ट, दिस इज ए शाफ्ट विल बी देयर, ठीक है। नाउ दिस इज योर रोटर शाफ्ट, रोटर शाफ्ट, ये आपका रोटर का शाफ्ट है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास रोटर की थ्री फेज वाइंडिंग है, इसके तीन टर्मिनल को तो आपने क्या कर दिया, स्टार कनेक्शन में कॉमन पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। इन तीन टर्मिनल को
रोटर के इन तीन टर्मिनल्स को आपको बाहर निकालना है, क्योंकि आपका जो है मैंने बताया था कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आप क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रोटर के सर्किट में अगर आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना है तो इन तीनों टर्मिनल को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाहर लेके आना पड़ेगा। और बाहर हम किसकी हेल्प से लेके आते हैं, स्लिप रिंग और आपके ब्रूसिज की हेल्प से इन तीनों टर्मिनल को हम लोग क्या करने वाले हैं, बाहर लेने वाले हैं। ठीक है, यानी आपके रोटर के सर्किट से या फिर मोटर के बाहर लेके आएंगे, क्योंकि मोटर के बाहर जब आपको टर्मिनल दिखेंगे तभी वहां पर आप एक्सटर्नली क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि आप जो है, चूंकि ये एसी मोटर है इसलिए जो टर्मिनल्स हैं रोटर के टर्मिनल हैं उनको हम लोग स्लिप रिंग और ब्रश की हेल्प से क्या करते हैं, आपके बाहर लेके आते हैं। वहीं पर डीसी मोटर में, अगर डीसी मोटर में आपको क्या होता है, डीसी मोटर में आपको जो है या फिर डीसी जनरेटर में आपको आउटपुट में डीसी पावर मिलती है या फिर डीसी आप जो है बाहर निकालते हैं। और अगर आप देखेंगे अंदर वाइंडिंग में हमेशा एसी जनरेट होगा, अंदर वाइंडिंग में एसी जनरेट होगा, तो अगर इस एसी को आपको डीसी के तौर पे बाहर निकालना है तो आपको हमेशा कम्यूटेटर और ब्रश का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन अगर आप जो है एसी को एसी के फॉर्म पे ही बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको हमेशा जो है ब्रश और स्लिप रिंग का रिक्वायरमेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए, तो नाउ आई कैन बी टेकेड एट थ्री। आपके पास तीन टर्मिनल को बाहर निकालना है, रोटर के थ्री वाइंडिंग है, तीन वाइंडिंग के तीनों टर्मिनल को बाहर निकालने की आपको तीन स्लिप रिंग और तीन ब्रशेज की जरूरत होने वाली है। तो नाउ आई कैन बी टेकेड एट थ्री स्लिप रिंग, तीन यहां पर मैं स्लिप रिंग बनाने वाला हूं। देखिए, फर्स्ट स्लिप रिंग, दिस इज सेकेंड स्लिप रिंग and this is your third slip ring, ये आपकी तीसरी slip ring है। ठीक है, चलो ना, यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो टर्मिनल होते हैं आर फेज के रोटर के टर्मिनल को आप स्लिप रिंग से क्या कर देंगे, सोल्डरिंग कर देंगे। सोल्डरिंग का मतलब ये आपका जो कंडक्टर होगा आर फेज का, इस स्लिप रिंग से हमेशा क्या होगा, जुड़ा होगा। आप देखें जो शाफ्ट है वो रोटेट करेगा और जो है शाफ्ट के ऊपर हमारी स्लिप रिंग माउंट होती है, तो जैसे जैसे शाफ्ट रोटेट करेगा स्लिप रिंग भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। ब्रशेज जो होती है वो हमेशा फिक्स होती है, स्लिप रिंग शाफ्ट के साथ क्या करती रहेगी, मूव करते। ये आपकी वाइंडिंग है और ये आपका इस रोटर पे लगा हुआ शाफ्ट में, जैसे जैसे वाइंडिंग रोटेट करेगी रोटर भी रोटेट करेगा, इसके ऊपर स्लिप रिंग भी क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। ठीक है, अब ब्रश भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्रश को मैं आपको अलग कलर से दिखा देता हूँ। नाउ दिस इज द ब्रशेज, दिस इज द ब्रशेज, ये आपकी ब्रश है। दिस इज द ब्रश, दिस इज द ब्रश भी देयर। ठीक है, चलो अब आप क्या करेंगे, तीनों वाइंडिंग्स को आप क्या करेंगे, स्लिप रिंग के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। नाउ दिस इज द फर्स्ट वाइंडिंग आर फेज की रोटर की वाइंडिंग, इसको बाहर लाना है रोटर के सर्किट से। रोटर से सर्किट से बाहर लाने के लिए वी विल कनेक्ट दिस विद द स्लिप रिंग, इसको मैंने सोल्डरिंग कर दिया आर फेज को। ये आपका वाई फेज है, वाई फेज को बाहर लाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको जो है इस वाली दूसरी स्लिप रिंग से क्या कर देंगे, सोल्डरिंग कर देंगे। एंड दैट इज बी फेज को बाहर लाने के लिए आप इसको तीसरी स्लिप रिंग से क्या कर देंगे, सोल्डरिंग कर देंगे। वाइंडिंग भी शाफ्ट के साथ रोटेट करेगी और स्लिप रिंग भी शाफ्ट के साथ रोटेट करेंगे, और ये जो आपके जो है ब्रशेज है वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। और स्लिप रिंग और ब्रश की हेल्प से इन टर्मिनल को आप क्या करेंगे, मोटर के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, दीज टर्मिनल आर कमिंग आउट विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग एंड ब्रशेज। ठीक है, चलो उसके बाद आप क्या करेंगे, जब टर्मिनल आपके बाहर आ गए तो अब यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नाउ वी विल एडिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, क्योंकि ये आपने हेडिंग डाल रखी होगी। नाउ दिस इज, यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। Now I can be taken the external resistance. This is the external resistance. ठीक है? और now this is the
स्टार्टिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम कनेक्ट रखेंगे, जिससे कि आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क मशीन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब आपकी मशीन रनिंग कंडीशन में आ जाएगी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। नाउ दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस इज आरई आरई एंड दिस इज आरई। और चूंकि आपका जो है जो रोटर का सर्किट है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि आपको करंट इंड्यूस कराना होता है, तभी आपका करंट कैरिंग कंडक्टर को जब मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे तभी आपका टॉर्क डेवलप होगा। तो यहाँ पर आपको करंट इंड्यूस कराना है, उसके लिए रोटर के सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा। और कंप्लीट करने के लिए हम फाइनली रोटर के वाइंडिंग्स को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। नाउ दिस इज द शॉर्ट सर्किटेड, दिस इज द शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। चलो अब यहां पर मैंने आपको बताया था, कुछ चीजें आपको बताई थी। पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो रोटर का जो शाफ्ट होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो जो रोटर का शाफ्ट होता है वो आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। पहला क्वेश्चन जो इससे पूछा जाता है कि जो रोटर का शाफ्ट होता है वो किस मटेरियल का बना होता है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि जो रोटर का शाफ्ट है वो हमेशा किसका बनाया जाएगा, माइल्ड स्टील का। किसका बना होता है, माइल्ड स्टील का। और साथ ही साथ ही जो रोटर का शाफ्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, छोटा होता है और स्टफ होता है। स्टफ मीन्स कठोर होता है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द शॉर्टर, ये हमेशा कैसा होगा, शॉर्ट होगा और स्टिफ होगा। स्टिफ मीन्स होता है कठोर, ठीक है, मतलब मजबूत, ठीक है। हमेशा जो रोटर का शाफ्ट होता है छोटा सा शाफ्ट निकाला जाता है हमेशा किसी भी मोटर में, किसी भी मोटर में शाफ्ट हमेशा छोटा निकाला जाएगा और कैसा होगा, मजबूत शाफ्ट होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कोई लोड लगाऊंगा तो आपका शाफ्ट बेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आपका जो है जो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए जनरली इसको बनाते हैं माइल्ड स्टील का, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्योंकि आपका जो है रोटर के जो टर्मिनल है इनको हमने स्लिप रिंग और ब्रशेस की हेल्प से बाहर निकाला हुआ, ठीक है। तो आप देखेंगे चूंकि मेरे जो स्लिप रिंग होती है वो भी कंडक्टिंग मटेरियल की बनी होती है, और आपका जो है जो आपका शाफ्ट होता है वो भी क्या होता है, माइल्ड स्टील। स्टील इज नथिंग बट आयरन में आपने कार्बन मिला दिया है, तो ये भी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। तो यहां मैं लिख देता हूं, दैट इज रोटर का जो शाफ्ट है वो आपका किस मटेरियल का है, इसमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दिस इज नथिंग बट ए कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, दैट इज कंडक्टिंग मटेरियल। रोटर का शाफ्ट आपका जो है जनरली आपका जो है दैट इज हैविंग सम कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, या फिर कंडक्टिंग मटेरियल भी होता है, ठीक है। माइल्ड स्टील इज ए नथिंग बट ए कंडक्टिंग मटेरियल, यहां मैं लिख देता हूँ, माइल्ड स्टील के आगे लिख देता हूँ, माइल्ड स्टील इज हैविंग सम कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। ये इसमें कुछ कंडक्टिंग प्रॉपर्टी भी होती है कि ये करंट को थोड़ा बहुत क्या करा सकता है, इन्सुलेशन नहीं दिखाया है, अभी दिखा रहे भाई, तुम कहे परेशान हो जो है, ठीक है। तो इसमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, और आपका जो स्लिपरिंग होती है वो भी आपकी किसकी बनी होती है, जनरली स्लिपरिंग भी आपका कंडक्टिंग मटेरियल, क्योंकि आपका जो करंट है इस वाइंडिंग से होता हुआ, स्लिपरिंग से होता हुआ, कार्बन ब्रश से होता हुआ क्या करेगा, पास करेगा। तो जो स्लिपरिंग है वो भी किस मटेरियल की, कंडक्टिंग मटेरियल की है, ठीक है। दिखा रहे कहे परेशान हो रहे हो भाई, ठीक है। नाउ दिस इज स्लिप रिंग, दिस इज स्लिप रिंग, जो कि किस मटेरियल की है, कंडक्टिंग मटेरियल की है, कंडक्टिंग मटेरियल। अब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कौन सा मटेरियल हम लोग प्रेफर करते हैं, तो जनरली आपका स्लिप रिंग के लिए फास्फोरस ब्रांच या फिर ब्रास यूज किया जाता है। स्लिप रिंग के लिए जनरली आपका कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, फास्फर ब्रांच, फास्फोरस ब्रांच और ब्रास को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब एक चीज मुझे बताइए, चूंकि स्लिप रिंग से आपका क्या कनेक्ट है, इस स्लिप रिंग से आपका जो है कंडक्टर कनेक्ट है, ये कंडक्टर कनेक्ट है,
तो मान लीजिए यहां पर जो है, जब आपने थ्री फेज सप्लाई दी तो रोटर की वाइंडिंग में रोटर का सर्किट कंप्लीट है, यहाँ पर करंट फ्लो करेगा और ये करंट आपका जो है स्लिप रिंग से होते हुए अगर मैं यहाँ पर आपका जो है किसमें फ्लो कर सकता है, रोटर के शाफ्ट में, और रोटर के शाफ्ट में लोड होता है, लोड को आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आपको क्या करना है कि रोटर के शाफ्ट में कोई भी करंट नहीं आना चाहिए। स्लिप रिंग से तो आपका कंडक्टर कनेक्ट है, लेकिन स्लिप रिंग से आपका जो है क्या नहीं होना चाहिए, शाफ्ट में डायरेक्टली करंट नहीं है। उसके लिए आप क्या करते हैं, स्लिप रिंग और शाफ्ट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, इन्सुलेशन पुट कर देते हैं। स्लिप रिंग और शाफ्ट के बीच में इन्सुलेशन यूज किया जाता है, जिससे कि आपका जो करंट है वो स्लिप रिंग से किसमें ना आ सके, आपके शाफ्ट या फिर आपके लोड में फ्लो ना कर सके, ठीक है। तो जो ब्लैक कलर का मैंने दिखाया है ये आपका जो है इंसुलेशन दिखा रहा है। इंसुलेशन के तौर पे जनरली हम इंडक्शन मोटर में शाफ्ट और स्लिप रिंग के बीच में ये जो इंसुलेशन यूज करते हैं ये किस मटेरियल का होता है, माइका इंसुलेशन होता है। कौन सा इंसुलेशन हम लोग प्रेफर करते हैं, माइका इंसुलेशन, दिस इज द इंसुलेशन, ठीक है। ब्लैक कलर से जो मैंने दिखाया है दिस इज योर इंसुलेशन बिटवीन शाफ्ट एंड स्लिप रिंग, इस मटेरियल को प्रेफर करते हैं, ये आपका क्या होता है, माइका इंसुलेशन होता है, माइका इंसुलेशन, ठीक है। रेड कलर से जो मैंने आपको दिखाया है दिस इज नथिंग बट द आपकी क्या है, कार्बन ब्रशेज। जो ब्रशेज होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है, कार्बन ब्रशेज, दिस इज द कार्बन ब्रशेज। ये जो ब्रशेज आप यूज करते हैं ये कार्बन की आप यूज करते हैं, पहले कॉपर की भी यूज की जाती थी लेकिन अब केवल और केवल कार्बन ही यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, वी विल डिस्कस, ठीक है। ये जो मैंने आपको हरे कलर से दिखाया है, नाउ दिस इज नथिंग बट योर ए आपका ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जो कि आपके स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर के रेजिस्टेंस को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से आपका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है इस मशीन का ज्यादा होता है। इंसुलेशन रहेगा तो स्लिपरिंग में करंट, अरे तो भाई तुम पगला गए हो क्या, शुभम जो है स्लिपरिंग में इंसुलेशन नहीं है, आपके शाफ्ट और स्लिपरिंग के बीच में इंसुलेशन है, जिससे करंट स्लिपरिंग से शाफ्ट में ना जा सके, ठीक है। तुम बेटा क्लास को तुम छोड़ दो शुभम, ये फर्जी क्वेश्चन पूछोगे मैं हटा दूंगा, जो है मैं आपको क्लियरली चीजें बता रहा हूँ, भांग खा के जो है पढ़ाई ना करो जो है, ठीक है, या फिर डिस्टर्ब नहीं करो मुझको। नाउ दिस इज नथिंग बट दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी देयर, ठीक है। चलो तो ये आपका जो है सीमेटिक डायग्राम कल हम लोगों ने बनाया था, उसके बाद हम लोगों ने मेरे ख्याल से ये चीज आप बना चुके हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से सभी ने बना रखा होगा, बना रखा है, आगे अब चल सकते हैं, ठीक है। चलो अब पहला चीज हम लोग देखते हैं कि जो रोटर जो होता है या फिर कोई भी जो मोटर होती है उसमें जो शाफ्ट होता है वो आपका जो है छोटा और आपका मजबूत क्यों होना चाहिए, ठीक है। इस चीज को समझते हैं, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको मोटर का क्या कर रहा हूँ, साइड व्यू दिखा रहा हूँ, फ्रंट व्यू नहीं दिखा रहा। फ्रंट का मतलब होता है सामने से देखना, सामने से तो आपको जो है सर्कुलर दिखेगा, फ्रंट से देख रहे हैं, ठीक है, फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, और फ्रंट व्यू दिखा के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों हम जो है आपके किसी भी मोटर का जो शाफ्ट है वो छोटा ही क्यों रखते हैं, ठीक है। चलो आगे चल सकते हैं, चलिए ये क्या हो गया, चलो एक मिनट थोड़ा सा मैं इसकी सेटिंग चेंज करूंगा, ये कैसा आ रहा है, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग साइड व्यू बनाते हैं, ठीक है, फर्स्ट आई कैन बी टेक द, अब हेडिंग आप लोग डाल लीजिए साइड व्यू, ठीक है, नाउ यू कैन बी टेक द साइड व्यू विल बी देयर।
नेक्स्ट आपको समझाने के लिए हम लोग साइड व्यू बना रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालें साइड व्यू। साइड व्यू ऑफ द इंडक्शन मशीन ऑफ द इंडक्शन मशीन। आज कई सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। आज इस टॉपिक को खत्म कर देंगे और उसके बाद अब हम लोग जो है अपने वर्किंग प्रिंसिपल और इक्विवेलेंट सर्किट की तरफ कल से बढ़ेंगे। हाँ, कार्बन बसेज वाले भी क्वेश्चन में आएंगे। पहले मैं आपका सॉफ्ट आपका उसके बारे में भी आएंगे। पहले मैं आपको जो है एक फिगर बना लूं, उसके बाद जो है मैं उसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम लोग जो है आपका साइड व्यू बना रहे हैं। साइड व्यू में आप देखेंगे दैट इज द फर्स्ट इज नथिंग बट द स्टेटर आपके पास होगा। नाउ दिस इज ए स्टेटर, नाउ दिस इज द स्टेटर, ये आपका स्टेटर है। चलो देखे द स्टेटर। साइड व्यू बनाने के बाद मैं कुछ चीजें समझाऊंगा और उसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं कि कार्बन की हम लोग क्यों बनाते हैं, ठीक है। चलो, नाउ दिस इज द स्टेटर। स्टेटर आपका जो है जो सॉलिड होता है, दिस इज द स्टेटर। स्टेटर आपका सॉलिड होगा, इसलिए मैं इसको कलर कर देता हूं जिससे कि आपको फीलिंग आ सके कि आपका हालो नहीं है, अंदर से खोखला नहीं होता स्टेटर। स्टेटर का कोर आपका जो है कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है। तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, इसको हम लोग कलर भी कर देते हैं। नाउ दिस इज द कलर, ठीक है। इसको कलर कर देते हैं कि आपके सॉलिड है। नाउ दिस इज द स्टेटर को। ठीक है, नाउ दिस इज योर स्टेटर को, ये आपका स्टेटर का कोर, दिस इज स्टेटर कोर, स्टेटर का कोर, ठीक है। चलिए, अब आप देखेंगे कि बीच में क्या होगा बेटा, रोटर होगा, लेकिन स्टेटर और रोटर के बीच में हम लोग एयर गैप क्या रखते हैं, बहुत कम रखते हैं। एयर गैप कम क्यों रखते हैं, एयर गैप कम रखने का कारण यह है क्योंकि एयर गैप अगर कम होगा तो आपके पाथ का रिलक्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर पाथ का रिलक्टेंस कम होगा तो आपकी जो मशीन है वो आपका जो है क्या करेगी, सोर्स से कम ही आपका रिएक्टिव पावर क्या करेगी, ड्रॉ करेगी। अगर सोर्स से कम रिएक्टिव पावर ड्रॉ करेगी तो आपके मशीन के जो पावर फैक्टर है वो क्या रहेंगे, हाई रहेंगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि जो एयर गैप लेते हैं, एयर गैप हम रखते हैं वो बहुत कम रखते हैं। तो नाउ दिस इज द रोटर, now I can be take the rotor, this is your rotor,
एयर गैप जितना कम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, कि मोटर के लिए उतना ही मोटर की परफॉर्मेंस क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, बिकॉज पावर फैक्टर विल बी हाई। दिस इज योर रोटर, ठीक है, ये आपका क्या है बेटा, रोटर विल बी देयर एंड दिस इज नथिंग बट द एयर गैप। यहां पर ये क्या है बेटा, दिस इज योर एयर गैप, एयर गैप एंड दिस इज योर रोटर सर्किट। एयर गैप विच इज एज स्मॉल एज पॉसिबल, एयर गैप विच इज एज स्मॉल एज पॉसिबल, जितना कम होगा उतना ही आपकी मोटर की परफॉर्मेंस के लिए क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं दिस इज नथिंग बट द रोटर एंड दिस इज योर रोटर, ये क्या क्या होता है, रोटर होता है। अब आपका जो है, आप देखेंगे कि आपने थ्री फेज सप्लाई स्टेटर में दी, थ्री फेज सप्लाई जब स्टेटर में देंगे तो आपका जो है, जो थ्री फेज इलेक्ट्रिकल पावर है वो स्टेटर में जाएगी, स्टेटर में आपका क्या होगा, सम लॉसेज होगा, जिसके बाद जो पावर है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, रोटर में ट्रांसफर हो जाएगी। रोटर में क्या होगा, कुछ लॉसेज होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, पिंक कलर का पता नहीं कैसे दिख रहे हैं, दिखने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रोटर में लॉस होगा, रोटर में कुछ लॉस होने के बाद जो सारी सारी पावर हो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल पावर में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। रोटर क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, क्योंकि रोटर आपका मशीन के अंदर होता है तो इंटरनली हम कोई भी लोड जो है इसमें लगा नहीं सकते, इसलिए हमें जो है रोटर के अंदर जो इंटरनली मैकेनिकल पावर डेवलप हुई है, इस मैकेनिकल पावर को आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, और रोटर से जो रोटर के अंदर जो इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप होती है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट यूज करते हैं। तो नाउ आई कैन बी टेक इट ए शाफ्ट, ठीक है, मैं शाफ्ट बना रहा हूं, दिस इज योर शाफ्ट, दिस इज योर शाफ्ट, ये आपका क्या है, शाफ्ट, दिस इज योर शाफ्ट। रोटर से इंटरनल मैकेनिकल पावर को बाहर लाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, शाफ्ट का यूज करते हैं, दिस इज द शाफ्ट। अब मुझे एक चीज ये बताओ, आवाज नहीं आ रही है, क्या आवाज में किसी को दिक्कत है क्या? आवाज तो मेरे ख्याल से आ रही, कोई दिक्कत ही नहीं आवाज में, क्या किसी को आवाज की कोई इश्यू है क्या? चलो मेरे ख्याल से किसी को नहीं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये जो रोटर होता है क्या ये हवा में टंगा रहेगा क्या? हेलो, आपकी जो मशीन है इसमें जो रोटर है ये हवा में टंगा रहेगा क्या? नहीं, रोटर को हम लोग क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आपको क्या करते हैं, सपोर्ट, क्योंकि ये हवा में नहीं टंगा रहेगा, रोटर आपका हवा में नहीं टंगा रहेगा, और रोटर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और रोटर को हम लोग क्या करते हैं, स्टेटर से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और किसकी हेल्प से प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नथिंग बट द इंड कवर्स, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द इंड कवर्स, और आपकी बाल बेरिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द इंड कवर्स एंड बाल बेरिंग की हेल्प से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। यहां मैं साइड कवर या फिर इंड कवर बना रहा हूं, जो इंड कवर्स होते हैं वो आपके स्टेटर में, नाउ ध्यान से देखिएगा, ये आपके साइड कवर हैं, रोटर आपका हवा में नहीं टंगा रहता है, रोटर को भी सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है, तो रोटर को हम लोग क्या करते हैं, स्टेटर के थ्रू, स्टेटर का जो फ्रेम होता है ना उसकी हेल्प से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो साइड कवर्स और बाल बेयरिंग्स यूज करते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट द
ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, इसको बोलते हैं साइड कवर, ये साइड कवर। और आगे जो है क्या लगी होती है, बाल बेरिंग्स लगी होती है, बेरिंग लगी होती है, जैसे आपने चकिया में देखा होगा बेरिंग लगी होती है घुमाने के लिए, ठीक है, वही चीज बना रहा हूं। दिस इज योर बाल बेरिंग, और इस बेरिंग के अंदर जो है छोटी छोटी क्या होती है बेटा, बॉल्स होती है, बाल बेरिंग। अभी मैं सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। नाउ दिस इज, इस साइड भी आपका इंड कवर और आपका जो है साइड कवर और बाल बेरिंग के थ्रू सपोर्ट होता है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, हर एक मशीन में ऐसा होगा, रोटर हवा में नहीं लटका होता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इंड कवर्स और बाल बेरिंग के थ्रू आपके शाफ्ट को मशीन से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट द, नाउ बाल बेरिंग के अंदर आपकी छोटी छोटी बॉल्स होंगी लाइक दिस, ठीक है। नाउ दीज आर द This is called side cover या फिर आप इसको बोलते हैं end cover, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेटा, this is called ball bearing, this is nothing but the ball bearing, ठीक है। चलो तो ये आपका जो है साइड व्यू हुआ, दिस इज द साइड व्यू, ठीक है, दिस इज योर साइड व्यू। अब हमारे बात हो रही थी कि हम लोग जो रोटर के शाफ्ट है इसको छोटा क्यों बनाते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, रोटर का शाफ्ट, इतना बना लीजिए, फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो तो यहां पर मैं पहले इसका काम लिख देता हूं, ठीक है। पहला चीज है कि जो शाफ्ट है उसका काम क्या है, आपकी रोटर की जो इंटरनल मैकेनिकल पावर होती है उसको बाहर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट यूज करते हैं। और जो शाफ्ट होता है वो आपका परफेक्टली क्या होता है, आपका बैलेंस होता है दोनों साइड किसकी किसकी हेल्प से, इंड कवर और आपकी बाल बेरिंग की हेल्प से, ठीक है। बना लिया हो तो मैं लिखना स्टार्ट करूं, हो गया, दिस इज योर साइड व्यू। दिस इज योर साइड व्यू, ठीक है। चलो हो गया, हो तो मुझे एंटीमेट कर दे बेटा, हो गया। चलिए तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, सर कितना लिखवाएं, थोड़ा साइड कर दीजिए, क्या साइड करना है बेटा, मुझे एंटीमेट करें, हो गया हो तो आगे चले। और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि जो है कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको यहीं से समझ में आएंगे। चलिए पहली चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो है, जब भी मैं जो है जो रोटर होगा, स्टेटर से पावर आएगी बेटा रोटर में, रोटर में कुछ लॉसेज होंगे इलेक्ट्रिकल पावर में,
और उसके बाद जो है जो इलेक्ट्रिकल पावर रोटर की होगी वो मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो रोटर तो मशीन के अंदर होता है, तो हम अपने लोड को मशीन के अंदर या फिर रोटर, क्योंकि रोटर का जो कोर है वो रोटेट करता है, रोटर का कोर रोटेट करता है, तो वही आपके लोड को रोटेट करा सकता है। क्योंकि रोटर का कोर मशीन के अंदर होता है, इसलिए हम रोटर के कोर में जाके अपने लोड को नहीं रख सकते हैं। इस इंटरनल मैकेनिकल पावर को आपको क्या करना पड़ेगा, मशीन के बाहर लाना पड़ेगा। और जो रोटर के अंदर इंटरनल मैकेनिकल पावर होती है उसको बाहर लाने की हम क्या करते हैं, शाफ्ट का यूज करते हैं। और जो शाफ्ट होता है वो आपका परफेक्टली बैलेंस होता है दोनों साइड पे, किसकी हेल्प से बेटा, दैट इज नथिंग बट द साइड कवर और बाल बेयरिंग की हेल्प से। ठीक है, तो इतना पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख रहा हूं, इन ऑर्डर टू In order to brought out the internal mechanical power, taken out the internal mechanical power developed in the rotor, we will use shaft। हम लोग किसका यूज करते हैं, shaft का। साफ से इंटरनली मैकेनिकल पावर एक्सटर्नली क्या होती है, बाहर आ जाती है और एक्सटर्नल मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाती है। साफ्ट की पावर को हम लोग एक्सटर्नल मैकेनिकल पावर बोलते हैं और रोटर की जो इंटरनल मैकेनिकल पावर उसको बाहर लाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, साफ्ट यूज करते हैं, पहला काम। अब ये जो साफ्ट होगा वो हवा में थोड़ा होगा, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और बैलेंस हम किसकी हेल्प से प्रोवाइड करते हैं, साइड कवर और आपके बाल बेयरिंग की हेल्प से। ठीक है, यहां मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, नेक्स्ट पॉइंट, द शाफ्ट ऑफ द मशीन, द शाफ्ट ऑफ द मशीन, द शाफ्ट ऑफ द मशीन इज परफेक्टली बैलेंस्ड on the both side with the help of side covers या फिर उसको बोलते हैं end covers, and ball bearing। ठीक है, आपका जो शाफ्ट होता है वो दोनों साइड आपका जो है परफेक्टली बैलेंस्ड होता है, आपका एंड कवर और बाल बियरिंग की हेल्प से। थोड़ा ऊपर कर दे, ठीक है, चलिए अब जरा मेरी बात सुनेंगे। शाफ्ट को छोटा ही क्यों बनाया जाता, बड़ा क्यों नहीं बनाया जाता, लिख लिया तो मैं आपको बताना स्टार्ट करूं, हो गया। चलिए अब देखिए जो है क्या होगा कि जैसे आप जो है सप्लाई देंगे, अब मैं बता रहा हूं ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप जो है अपने स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई देंगे, आपकी स्टेटर में पावर क्या होगी, डेवलप होगी। स्टेटर में कुछ पावर लॉस होने के बाद आपकी जो पावर है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी बेटा, रोटर में ट्रांसफर हो जाएगी। रोटर में कुछ इलेक्ट्रिकल पावर का लॉस होगा क्योंकि रोटर में वाइंडिंग है, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस में थोड़ा बहुत लॉस होगा। उसके बाद जो है जो इलेक्ट्रिकल पावर है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द मैकेनिकल पावर,
और मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होने के बाद आपका जो रोटर है वो क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा, और रोटर विल बी स्टार्ट रोटेटिंग। अब रोटर जब रोटेट करने लगेगा तो अंदर जो है आपका जो है लोड हम रख नहीं सकते, तो इस रोटर की मैकेनिकल पावर को बाहर लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शाफ्ट यूज करते हैं। तो अगर रोटर रोटेट करेगा तो शाफ्ट भी क्या करेगा बेटा, रोटेट करेगा। इफ द रोटर विल बी स्टार्ट रोटेटिंग देन द शाफ्ट इज आल्सो स्टार्ट रोटेटिंग, शाफ्ट इज आल्सो स्टार्ट रोटेटिंग। अब ये जो शाफ्ट है, ये जो मेरे शाफ्ट है, ये आपके जो है क्या कर रहा है, रोटेट। अगर मान लीजिए मेरे शाफ्ट बहुत तेजी से क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और जब शाफ्ट बहुत तेजी से रोटेट करेंगे और इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, अनअटेंडेड रखेंगे, मतलब अगर कोई भी लोड कनेक्ट नहीं करेंगे तो जो शाफ्ट है वो अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, झुक जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो अगर आपके जो है दैट इज नथिंग बट द, मैं बात करूं कि जब आप अपने जो है रोटर को क्या करेंगे, बहुत तेजी से रोटेट करेंगे, अगर रोटर बहुत तेजी से रोटेट करो, शाफ्ट आपके क्या है बहुत लंबे है, शाफ्ट अगर आपके बहुत लंबे और आपने कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया तो केंद्र की तरफ एक फोर्स लगेगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे किसी मोड़ पे कोई कार जा रही, तो मोड़ में जब आप कार को क्या करते हैं लेफ्ट साइड पे मोड़ेंगे तो आप जो है राइट साइड पे क्या करते हैं, झुक जाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक फोर्स लगता है जो कि आपका क्या करता है, आपके जो है जिसको बोलते हैं सेंट्री फ्यूगल फोर्स। तो आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए रोटर बहुत तेजी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और रोटर के शाफ्ट में मैंने कोई भी लोड नहीं लगा रखा है, मतलब लोड कैसा है, अनलोडेड मशीन है, मतलब अनअटेंडेड, मैं मशीन को या फिर शाफ्ट को अटेंड नहीं कर रहा। और रोटर अगर लंबे हैं तो ये बहुत तेजी से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तेजी से रोटेट करते समय अगर ये अटेंडेंट रहे, अनअटेंडेंट रहेंगे, मतलब इनमें कोई भी अगर लोड नहीं कनेक्ट करेंगे, तो जो आपके पास शाफ्ट है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। तिरछा होने की वजह से जो आपका रोटर है वो आपका, चूंकि एयर गैप बहुत कम रखा है, अगर ये थोड़ा सा भी तिरछा हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, तो स्टेटर के कोर से क्या हो जाएगा, भिड़ जाएगा और आपकी मशीन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर जो है आपका जो है जो रोटर है, मान लीजिए आपने लोड नहीं लगा रखा है और आपने जैसी सप्लाई दी तो इमीडिएटली रोटर बहुत तेजी से क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। ये मेरे हाथ आपके जो है मान सकते हैं शाफ्ट बहुत तेजी से रोटेट कर रहे हैं, अगर ये शाफ्ट बहुत तेजी से रोटेट कर रहे हैं और अनअटेंडेंट है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो शाफ्ट, ये जो मेरे शाफ्ट है या फिर आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से थोड़े से क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, एक साइड पे क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। और जब एक साइड पे झुकेगा तो जो है एयर गैप बहुत कम है, रोटर जो है स्टेटर के कोर से क्या कर जाएगा, भिड़ जाएगा और आपकी मशीन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, जब भी आपका अगर शाफ्ट की जो लेंथ है वो आपने ज्यादा रखी है तभी ऐसा होगा, इसलिए जनरली शाफ्ट की लेंथ हमेशा क्या रखी जाती है, छोटी रखी जाती है। इफ द लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज वेरी वेरी हाई, या फिर लेंथ अगर मैंने जो है शाफ्ट की जो है ज्यादा रखी है और शाफ्ट में मैंने कोई भी लोड कनेक्ट नहीं किया है, तो जब शाफ्ट जो है आपका जो है अनलोडेड कंडीशन पे रोटेट करके बहुत तेजी से, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आपका जो है जो शाफ्ट है वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, एक साइड झुक जाएगा, जिसकी वजह से वो स्टेटर के कोर से क्या हो जाएगा, भिड़ जाएगा और आपकी मशीन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। ठीक है। तो यहां मैं दिखा देता हूं, ये आपका थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका भिड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं सारी चीजें और इसको लिखना स्टार्ट करें। तो लिख रहा हूं, व्हेन थ्री फेज सप्लाई इज कनेक्टेड टू द मशीन, देन ड्यू टू द इंटरनल मैकेनिकल एनर्जी, ड्यू टू इंटरनल मैकेनिकल एनर्जी डेवलप्ड इन द रोटर, so that rotor
विल बी स्टार्ट रोटेटिंग, रोटर विल बी स्टार्ट रोटेटिंग। When the rotor is start rotating, shaft is also start rotating. When the rotor is start rotating and shaft is also start rotating, shaft भी क्या करने लगेंगे, रोटेट करने लगेंगे, रोटेटिंग, ठीक है। अगर मैं रोटर के शाफ्ट को क्या करूं बेटा, अनअटेंडेंट या फिर अनलोडेड कंडीशन में करूंगा तो रोटर के शाफ्ट बहुत तेजी से क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ठीक है। इफ द रोटर शाफ्ट आर अनअटेंडेंट, अनअटेंडेंट या अनलोडेड, अनलोडेड कंडीशन, अनलोडेड कंडीशन, और नो लोड कंडीशन, देन they are rotate at very high speed, then they are rotate at very high speed, तब वो बहुत high speed पे क्या करेंगे, rotate करेंगे। और अगर shaft लंबे हुए तो centrifugal force की वजह से जो मेरा shaft है ना वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इफ द शाफ्ट आर द लॉन्गर, इफ द रोटर शाफ्ट इज अनअटेंडेड और अनलोडेड कंडीशन और नो लोड कंडीशन, दे आर रोटेट एट वेरी फास्ट स्पीड, एंड इफ द शाफ्ट ऑफ द रोटर are longer, then due to which force, centrifugal force, centrifugal force, इसको हिंदी में बोलते हैं अपकेंद्र बल, क्या मेरी बात समझ रहे हो। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द शाफ्ट इज, इफ द शाफ्ट ऑफ द रोटर आर लॉन्गर देन ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द रोटर शाफ्ट इज डिफ्लेक्टेड, द रोटर shaft is deflected deflected and it can be touch the stator core, stator core, and the machine will be damaged, so that machine will be damaged. आपकी मशीन क्या हो सकती, डैमेज, थोड़ा सा साफ टिल्ट हो जाएगा। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाथ बहुत लंबे हैं
और बहुत तेजी से आप रोटेट करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से थोड़ा सा जो है क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, फिर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से रोटर आपका, क्योंकि एयर गैप कम होता है, थोड़ा सा भी डिफ्लेक्शन होगा तो रोटर का कोर आपके स्टेटर के कोर से टच कर जाएगा और मशीन आपकी क्या हो जाएगी, डैमेज होगी। सो दैट्स वाई द शाफ्ट ऑफ द रोटर आर मेड शॉर्टर। कैसे बनाए जाते हैं? छोटे बनाए जाते हैं, ठीक है? कैसे बनाए जाते हैं? छोटे। अब ये इंड कवर भाई एक साइड से थोड़ा होगा, इंड कवर दोनों साइड से आप बैलेंस करोगे ना, कि एक साइड से रोटर को बैलेंस कर दोगे, पगला गए हो का? दोनों साइड से आपको जो है बैलेंस करना पड़ेगा ना। चलिए अब दूसरा चीज है कि आपका जो है कठोर क्यों बनाया जाता है। कठोर इसलिए बनाया जाता है, मतलब स्टब्ड हम लोग इसलिए इसको क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई जो है मान लीजिए लोड इस शाफ्ट पे क्या करेंगे, अटैच करेंगे, तो ये क्या नहीं होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए। अगर ये बेंड हो गया तो आपकी जो मशीन क्या हो सकती है, अगर शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर आपने कोई मोटर या फिर कोई लोड लगाया और चलते समय वो क्या होगा, बेंड हो गया, तो आपकी मशीन क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। इसलिए जो शाफ्ट होगा वो कैसा होना चाहिए, स्टफ होना चाहिए, कठोर होना चाहिए। लिख दीजिए, ठीक है? तो क्या इतना लिख लिया है, लिख लिया इतना, आगे चले। चलो नेक्स्ट, द शाफ्ट ऑफ द इंडक्शन मशीन या फिर द शाफ्ट ऑफ द मशीन आर द शाफ्ट ऑफ द मशीन इज स्टब्ड। स्टिफ because whenever the machine is loaded, machine is loaded, the shaft of the machine is not bent। Bend means होता है आपका क्या होना बेटा, झुक जाना। अगर मान लीजिए आपका जो है आपने जो है मोटर में लगाया, थोड़ी देर चलने के बाद वो बेंड हो गया, तो मशीन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि आपकी मशीन अनबैलेंस हो जाएगी, ठीक है? मान लीजिए लोड को फेड कर रही, घूम रही है, बहुत तेजी से घूम रही है और इमीडिएटली बेंड कर गया, तो मशीन अनबैलेंस हो जाएगी। अनबैलेंस होगी तो जो रोटर का शाफ्ट है वो आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट होने के बाद कोर से स्टेटर के कोर से टकरा जाएगा और आपकी मशीन क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। द मशीन शाफ्ट ऑफ द मशीन इज नॉट बेंड, अदरवाइज अगर ऐसा हो गया, बेंड हो गई, अदरवाइज द मशीन विल बी डैमेज। तो आपका जब हम लोड कनेक्ट करते हैं तो आपका इतना ठोस होना चाहिए, फिर इतना मजबूत होना चाहिए कि जो लोडेड कंडीशन पे वो क्या नहीं होना चाहिए, बेंड नहीं होना चाहिए। इसलिए आपके जो रोटर के शाफ्ट होते हैं वो आपके स्टफ बनाए जाते हैं, ठीक है? चलिए अब हमने जो है दूसरा कारण पूछा था कि आपका कार्बन का ब्रूसी क्यों यूज किया जाता है, ठीक है? तो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था, उसी क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था व्हाई वी आर यूज द कार्बन ब्रशेज, व्हाई इन द इंडक्शन मशीन, व्हाई इन द मशीन वी आर यूज्ड कार्बन ब्रशेज, व्हाई वी कैन नॉट used copper brushes, ठीक है? पुराने के समय में जब स्टार्टिंग में मोटरें बनाई गई थी तब तो कार्बन की ब्रशेज, दैट इज कॉपर की ब्रशेज यूज की जाती थी। बाद में इन कॉपर की ब्रशेज को हम लोग ने कार्बन ब्रश से क्या कर दिया है,
आपका रिप्लेस कर दिया। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम लोग को किसके बारे में समझना पड़ेगा, लॉसेज के, फ्रैक्शनल लॉसेज के बारे में समझना पड़ेगा। एक बार हम फ्रैक्शनल लॉसेज समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो नाउ वी विल डिस्कस द फ्रैक्शनल लॉसेज इन द इंडक्शन मशीन। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फ्रैक्शनल लॉसेज, ठीक है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग इसी के नीचे डालने वाले क्वेश्चन के नीचे, दैट इज द फ्रैक्शनल लॉसेज। फ्रैक्शन लॉसेज, आपके इंडक्शन मशीन में दो फ्रैक्शन लॉसेज होते हैं। एक तो बाल बेयरिंग में होता है, बाल बेयरिंग फ्रैक्शन लॉसेज। यहां पर देखिए, एक फ्रैक्शन लॉस आपको कहां पर मिलेगा, बाल बेयरिंग में मिलेगा, और दूसरा फ्रैक्शन लॉस आपको कहां पर मिलेगा, ब्रुश फ्रैक्शन लॉस। दो फ्रैक्शन लॉस होंगे आपके इंडक्शन मशीन में, दो जगह फ्रैक्शन लॉस होगा इंडक्शन मशीन में, दो जगह पे फ्रैक्शन लॉस होगा। एक फ्रिक्शन लॉस होगा कहां पर, बाल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस, बाल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस, और दूसरा फ्रिक्शन लॉस कहां पर मिलेगा, ब्रुश फ्रिक्शन लॉस, ब्रुश फ्रिक्शन लॉस। दूसरा फ्रिक्शन लॉस कहां पर मिलेगा, ब्रश फ्रिक्शन लॉस, और एक इसमें लॉस होता है विंडेज लॉस। वन मोर लॉस इज नथिंग बट द विंडेज लॉस। इन तीनों लॉसेज को हमें देखना है। दिस इज नथिंग बट द विंडेज लॉस। और ये लॉस मैकेनिकल लॉस होते हैं कि इलेक्ट्रिकल लॉस होते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चल चलो। तो पहले हम लोग जो है बात करते हैं, दैट इज बाल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, पहला फ्रिक्शन लॉस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ए बाल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस। बाल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस क्या होता है उसको समझते हैं। बाल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक फार्मूला ड्राइव करवा देता हूं, ठीक है। दैट फार्मूला इज नथिंग बट द, जो मैकेनिकल पावर आउटपुट होती है, दैट इज मैकेनिकल पावर आउटपुट, दैट इज नथिंग बट द टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। इस चीज को समझ लीजिए कि जब भी हमें मैकेनिकल पावर जो आउटपुट में मिलेगी, ठीक है, मैकेनिकल पावर आउटपुट इज नथिंग बट द टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। इसको मैं प्रूफ करा देता हूं क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। चाहे डीसी मशीन हो, चाहे आपका कोई सी भी मशीन हो या फिर मोटर हो, उसमें जो मैकेनिकल पावर आउटपुट मिलती है उसका फार्मूला होता है टी इंटू ओमेगा, टॉर्क इंटू ओमेगा। ठीक है, चलिए। आपने बचपन में पढ़ रखा होगा कि जो है, जो एनर्जी होती है जिसको हम वर्क बोलते थे, वर्क इज इक्वल टू होता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क ही को हम लोग क्या बोलते थे, एनर्जी बोलते थे। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा एनर्जी, एनर्जी बोलिए या फिर वर्क बोलिए, That is nothing but the, क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए, यहां पर हम लोग एक सर्कुलर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका शाफ्ट का, शाफ्ट जो हमेशा क्या करता है, सर्कल, दैट इज द रोटेट करता है, सर्कुलर शेप का होता है। शाफ्ट इज नथिंग बट द सर्कुलर, शाफ्ट जो होगा वो हमेशा कैसे होगा, सर्कुलर पाथ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, Now, this is nothing but the, अच्छा, इसको वर्क बोलिए या फिर एनर्जी बोलिए, एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वर्क को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को एक्स से क्या करने वाले हैं, रिप्रेजेंट करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पावर के बारे में बात करूं तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम। हमें आपकी पावर चाहिए, मैकेनिकल पावर चाहिए, मैकेनिकल पावर। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा,
पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय क्या होता है टाइम। एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करें या फिर वर्क से रिप्रेजेंट करें, और टाइम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। तो दैट इज पी इज इक्वल टू हो जाएगा मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर, ठीक है, मैकेनिकल पावर इज नथिंग बट इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, एनर्जी और वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। एनर्जी या फिर वर्क की जगह फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, दिस इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी। हेलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी वी, तो दिस इज नथिंग बट द फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो पावर का फार्मूला जो है वो आ गया आपका फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। चलो चलो अब यहां पर जो है अगर मैं बात करूं जो शाफ्ट है वो सर्कुलर मोशन में क्या करता है रोटेट करता है, ठीक है। टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है टॉर्क अगर इज इक्वल टू हम देखेंगे फोर्स डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। चलो यहां पर हम बात करते हैं जैसे दिस इज नथिंग बट द, मान लीजिए एक सर्किल है, क्योंकि जो शाफ्ट है वो सर्कुलर मोशन करता है, कौन सा मोशन करता है बेटा सर्कुलर मोशन, इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। जो शाफ्ट है वो कौन सा मोशन करता है सर्कुलर मोशन करता है। तो जब आपका जो है शाफ्ट में फोर्स डेवलप होगा तो क्या आएगा टॉर्क आएगा, ठीक है। चलो नाउ दिस इज द सर्कुलर मोशन करता है और सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी है, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, जब इसमें फोर्स आपका जो है लगेगा, चलिए आपका जो टॉर्क होगा टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू रेडियस, मान लीजिए इसमें फोर्स लगा, फोर्स लगा एफ और रेडियस कितनी है आर, आपका सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्किल की रेडियस आर है, तो इस फोर्स की वजह से जब ये फोर्स लगेगा आपके शाफ्ट में तो इसकी वजह से क्या डेवलप होगा टॉर्क, क्या डेवलप होगा टॉर्क डेवलप होगा, दिस इज द टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय रेडियस, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय रेडियस, या फिर फोर्स इज इक्वल टू होता है टॉर्क इनटू रेडियस, दैट इज मोमेंटम मैंने निकालना बताया था, ठीक है। तो सेम चीज है, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा फोर्स डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाई रेडियस। तो यहां से फोर्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा टॉर्क इंटू आर, सॉरी फॉर दैट, यहां पर आपका जो है फोर्स इज इक्वल टू होता है टॉर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स इज इक्वल टू होता है टॉर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, ये होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे जब मैं आपको सैग और टेंशन पढ़ा रहा था तो फोर्स को जब आप जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या जाता है तो टॉर्क आ जाता है, फोर्स को जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हो टॉर्क आ जाए, सर्किल में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है रेडियस होती है, ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसकी वजह से क्या आएगा टॉर्क आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट द, दिस इज द फार्मूला, तो दिस इज नथिंग बट द फार्मूला विल बी देयर, इसको अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दिस इज टॉर्क डिवाइडेड बाई रेडियस, ठीक है।
फोर्स इज इक्वल टू, तो फोर्स इज इक्वल टू हो गया टॉर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। फोर्स की जगह आप फोर्स को अगर टॉर्क के फॉर्म में लिखना चाहे तो यहां पर रख दीजिए, फोर्स को अगर आप टॉर्क के फॉर्म पे लिखना चाहे तो रख दीजिए, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है टॉर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। और बेटा सर्कुलर मोशन में अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वे, वी बराबर क्या होता है आर इंटू ओमेगा, वी बराबर आर इंटू ए, ये लीनियर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी वी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं एंगुलर वेलोसिटी जो होती है हम उसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लीनियर वेलोसिटी होती है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी बराबर क्या होता है आर इंटू ओमेगा, ये आप पढ़ के आए होंगे ठीक है, दैट इज वी बराबर क्या होता है आर इंटू ओमेगा। सर्कुलर मोशन पे अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालूं तो वी बराबर क्या होता है आर इंटू ओमेगा। यहां पर वी की जगह पुट कर दीजिए वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ वी, तो दिस इज नथिंग बट द आर इंटू ओमेगा, आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज टॉर्क इंटू ओमेगा। तो दैट इज नथिंग बट द मैकेनिकल पावर डेवलप इज नथिंग बट द टॉर्क इंटू ओमेगा, ठीक है टॉर्क इंटू ओमेगा, दिस इज द रिलेशन। ये आपको याद रखना है, कभी भी मैं आपसे मैकेनिकल पावर पूछूं तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, टॉर्क को अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी से क्या दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा पावर, मैकेनिकल पावर। क्या फार्मूला क्लियर है आप लोगों को? ये फार्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा लेकिन तब भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि डीसी मशीन हो चाहे इंडक्शन मशीन हो चाहे सिंक्रोनस मशीन हो वहां पर आपको मैकेनिकल पावर डेवलप चाहिए और मैकेनिकल पावर डेवलप क्या होती है टॉर्क इंटू ओमेगा। इसको लिख लीजिए, चलो हो गया आगे चले। हम लोग जो है बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं कि बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस क्या होता है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर कर दीजिए थोड़ा, पूरा लिखा तो है बेटा, जो है यहीं से तो लिखना है, यहां से आपको लिखना है, पूरा दिख तो रहा है। हो गया हो गया, आगे चले। चलिए तो नोट करके इस चीज को आप याद रखेंगे हमेशा, नोट करके लिखें। नोट करके दैट इज आपका मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर दैट इज पी इज इक्वल टू क्या होगा टॉर्क इंटू ओमेगा। और यहां पर टॉर्क जो है मैकेनिकल पावर शाफ्ट से जो मिल रही होगी उसको बारे में, तो यहां पर शाफ्ट की एंगुलर वेलोसिटी रखेंगे। नीचे कर दीजिए, अभी नहीं हुआ है, कितना स्लो लिख रहे हो तुम लोग, जल्दी लिखो। चलो बॉल बेयरिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि बॉल बेयरिंग जो होता है उसमें दो प्रकार के आपके दो पार्ट होते हैं, एक तो फिक्स्ड पार्ट होता है और दूसरा आपका मूवेबल पार्ट होता है, मूवेबल पार्ट जो मूव करता है, ठीक है। चलो हो गया आगे चल सकते हैं। चल
अब यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, दैट इज बाल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस। बाल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि जो बाल बेरिंग होता है दैट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। बाल बेरिंग कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, टू पार्ट। बाल बेरिंग में दो पार्ट होते हैं, टी से रिप्रेजेंट किया, टॉर्क को हम लोग टी से रिप्रेजेंट किया, टाउ से रिप्रेजेंट नहीं किया है भाई विकास, टी, टी मींस टॉर्क, ठीक है। बाल बेरिंग कंसिस्ट टू पार्ट, बाल बेरिंग में दो पार्ट होते हैं, जो बाहर की साइड पार्ट होता है उसको फिक्स्ड पार्ट बोलते हैं। बाल बेरिंग में आपके दो पार्ट होते हैं, ये जो पहला जो पार्ट होता है जो बाहर की तरफ होता है ये फिक्स्ड पार्ट होता है, दिस इज द फिक्स्ड पार्ट। बाल बेरिंग में जो बाहर का पार्ट होता है दिस इज द फिक्स्ड पार्ट, और ये जो आपका फिक्स्ड पार्ट होता है वो किससे कनेक्ट होता है, दिस इज कनेक्टेड टू, कनेक्टेड टू इंड कवर्स और साइड कवर, साइड कवर टू सपोर्ट, टू सपोर्ट, टू सपोर्ट द रोटर, या फिर इंड कवर, इतना ही लिख लीजिए। ये आपका जो है कहां से कनेक्ट होता है, इंड कवर। इस चीज को मैं दिखा भी देता हूं, जो आपका जो है बाहर वाला पार्ट होता है वो फिक्स्ड पार्ट होता है, वो मूव नहीं करता, वो किससे कनेक्ट होता है, इंड कवर या फिर साइड कवर से कनेक्ट होता है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर ये जो बाल बेरिंग है, बाल बेरिंग में आप देखेंगे ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो पार्ट है ये आपका फिक्स्ड पार्ट है, और ये किससे कनेक्ट है बेटा, ये इंड कवर या फिर आपका जो है दैट इज द साइड कवर से कनेक्ट है, ठीक है। ये मूव नहीं करता, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका मूवेबल, ये मूव करता है, ये आपका शाफ्ट, शाफ्ट इसी के सहारे बाहर निकलता है। शाफ्ट जो होता है अंदर से आता है और इसी के सहारे बाहर निकलता है, क्योंकि शाफ्ट रोटेट करता है, तो ये अंदर वाला पार्ट क्या करता है, मूव करता है, और अंदर वाला अगर पार्ट मूव करेगा तो ये जो बाल्स होंगी ना इसके अंदर, वो भी क्या करेंगी, मूव करेंगी, ठीक है। तो दैट इज नथिंग बट द दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट आपका होता है फिक्स्ड पार्ट, ये बाहर वाला पार्ट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और जो अंदर वाला इसका पार्ट होता है वो मूवेबल पार्ट होता है। ये जो अंदर वाला पार्ट होता है दिस इज द मूवेबल पार्ट, ये अंदर वाला जो पार्ट होता है वो क्या, कौन सा पार्ट होता है, मूवेबल पार्ट, दिस इज द मूवेबल पार्ट, मूवेबल पार्ट, और जो शाफ्ट होता है इसी मूवेबल पार्ट से ही क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। शाफ्ट इज ब्रॉट आउट आउटसाइड, शाफ्ट of the rotor is brought if it taken brought or taken outside with the help of पार्ट ऑफ बॉल बियरिंग, ठीक है। बॉल बियरिंग के अंदर जो है यहां पर क्या होती है बेटा, बॉल्स होती हैं, दीज आर द बॉल्स,
दीज आर द बॉल्स। दीज आर द बॉल्स, दीज आर द बॉल्स, ठीक है, दीज आर द बॉल्स। अब देखिए क्या होता है, बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो है, जो मैकेनिकल पावर आउटपुट होता है, आपका मैकेनिकल पावर आउटपुट या फिर नेट मैकेनिकल पावर, नेट मैकेनिकल पावर आउटपुट का मतलब है कि जो एक्सटर्नली पावर डेवलप हो रही है, ठीक है, आपका एक्सटर्नली जो पावर आ रही है उसका फार्मूला लिख रहा हूं, दैट इज नेट पावर। नेट पावर का मतलब है एक्सटर्नली जो मैकेनिकल पावर डेवलप होती है, दैट इज टॉर्क इनटू ओमेगा आर। जो आपका शाफ्ट होता है, रोटर जिस स्पीड से रोटेट करेगा उसी स्पीड से शाफ्ट भी रोटेट करेगा, रोटर की स्पीड है ओमेगा आर, तो शाफ्ट की स्पीड भी दैट इज द ओमेगा आर, ये चीज ध्यान रखिएगा। दिस इज द नेट मैकेनिकल आउटपुट पावर, ये फार्मूला है, समझने की कोशिश करिएगा। दिस इज द नेट मैकेनिकल पावर डेवलप्ड बाय द मशीन, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल कितनी पावर आपके आउटपुट में आ रही है। सर पी इज इक्वल टू डब्लू क्या था भैया, पी नहीं लिखा था भाई, कहाँ लिखा था पी, पगला गए हो क्या, वी बराबर क्या लिखा था, आर इंटू ओमेगा, वी वेलोसिटी थी भाई मोहित, तुम लोग भी कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, P बराबर आर डब्ल्यू कहाँ लिखा है, V बराबर आर इंटू डब्ल्यू लिखा है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है भाई, तुम लोग जाके कक्षा दो पढ़ो फिर से, ठीक है, V बराबर तुम्हें आर ओमेगा नहीं आता है, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी मतलब जो सीधी रेखा में वेलोसिटी होती है, और जब मूव करते हैं सर्कुलर शेप में तो जो वेलोसिटी होती है उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज द एक्सटर्नल मैकेनिकल आउटपुट पावर, एक्सटर्नल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन द मशीन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, चलो। अब देखो बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस क्या होता है समझने की कोशिश करेगा, लिखना बंद कर दे अब मेरी बात, ध्यान से सुने, बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस, ठीक है, चलो। अब आपने क्या किया कि आपने जैसे ही अपने इंडक्शन मशीन को थ्री फेज सप्लाई दिया, इंडक्शन मशीन को जैसे ही आप थ्री फेज सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट देंगे, तो स्टेटर में वाइंडिंग होगी, वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होगा, तो उसमें कुछ लॉस होगा, ठीक है। तो जैसे ही आप थ्री फेज सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट देंगे, तो स्टेटर में कुछ पावर क्या हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी, और बची हुई जो स्टेटर में जो पावर होगी इलेक्ट्रिकल पावर, दैट कैन बी ट्रांसफर टू द रोटर, रोटर में आपकी जो है इलेक्ट्रिकल पावर क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। रोटर में भी वाइंडिंग है तो रोटर में भी कुछ इलेक्ट्रिकल पावर में क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस होने के बाद जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। उस मैकेनिकल इंटरनल पावर की वजह से मेरा जो रोटर है वो क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। चूंकि आपका जो लोड होता है, चूंकि रोटर इंटरनली आपकी मोटर के अंदर है, तो मोटर के अंदर जाके आप लोड को रोटेट कराने के लिए, आप ये रोटर रोटेट कर रहा है तो आप लोड को जाके रोटर में थोड़ा बैठा देंगे कि भैया रोटर रोटेट कर रहा है तो रोटर में रख दिया, ठीक है। आपको इस इंटरनल मैकेनिकल पावर को क्या करना पड़ेगा, बाहर लेके आना पड़ेगा। इस रोटर की इंटरनल मैकेनिकल पावर को बाहर लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, शाफ्ट यूज करते हैं, और शाफ्ट जो होते हैं वो किसकी हेल्प से बाहर निकाले जाते हैं, बॉल बीयरिंग की हेल्प से क्या किए जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं। तो जब रोटर रोटेट करेगा तो शाफ्ट भी रोटेट करेगा, जब शाफ्ट रोटेट करेगा
तो जो आपका इंटरनल पार्ट है या फिर जो बॉल बेयरिंग का जो मूवेबल पार्ट है वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। ध्यान सुनिएगा, जब आपका जो है शाफ्ट आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो आपका जो है जो शाफ्ट है वो किसके द्वारा बाहर आया है, दैट इज आपका बॉल बेयरिंग। तो जब शाफ्ट मेरा रोटेट करेगा तो ये जो मूवेबल पार्ट होता है वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब मेरा मूवेबल पार्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो ये जो बॉल्स होंगी वो भी क्या होंगी, रोटेट होंगी। अगर मेरा मूवेबल पार्ट रोटेट होगा तो ये बॉल्स भी क्या होंगी, रोटेट होंगी। ये बॉल्स क्या होने वाली है, रोटेट होने वाली। बॉल्स बेटा जब रोटेट होंगी तो ये जो बॉल्स रोटेट करते करते समय, बॉल्स जब रोटेट होंगी तो रोटेट होते समय ये बॉल्स आपके फिक्स्ड पार्ट से क्या करेंगी, टच करेंगी। ये जो बॉल्स होंगी वो किससे टच कर सकती हैं, फिक्स्ड पार्ट से। अगर मेरी बॉल्स इस फिक्स्ड पार्ट से क्या करेंगी, टच करेंगी, तो मेरी जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर मेरी जो है बॉल बेयरिंग की वॉल्स, जब मेरी रोटर क्या करेगा, रोटेट, या फिर शाफ्ट जब रोटेट करेगा तो मूवेबल पार्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा। मूवेबल पार्ट रोटेट करेगा तो बॉल्स भी क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। जब ये बॉल्स रोटेट करेंगी तो ये बॉल्स रोटेट करते करते किससे टच करेंगी, फिक्स्ड पार्ट से क्या करेंगी, टच करेंगी। अगर बॉल्स रोटेट करते करते फिक्स्ड पार्ट से अगर टच कर गई तो बॉल्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर बॉल्स की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो मूवेबल पार्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। और मूवेबल पार्ट की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो आपका जो शाफ्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर शाफ्ट की वेलोसिटी, हेलो यहां पर देखिए, अगर शाफ्ट की वेलोसिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो आपका जो शाफ्ट है वो क्या करने वाला है, कम ही मैकेनिकल पावर क्या करेगा, डेवलप करेगा। ठीक है, कम मैकेनिकल पावर डेवलप करेगा तो आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दैट इज नथिंग बट द, आप देखेंगे कि जब भी आप क्या करने वाले हैं, जब भी आपका जो है आपका शाफ्ट रोटेट करेगा तो आपका जो है ये मूवेबल पार्ट क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब ये मूवेबल पार्ट आपका रोटेट करेगा तो बॉल्स भी रोटेट करेंगे, और बॉल्स रोटेट करते करते जब फिक्स पॉट से क्या करेंगी, टच करेंगी। कभी ना कभी हो सकता है टच कर जाए, जब ये रोटेट करेंगे तो हो सकता है कुछ बॉल क्या करेंगी, आपकी फिक्स पार्ट से रोटेट भी, से टच भी कर सकती है। टच करने की वजह से आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो आपका जो मैकेनिकल पावर, एक्सटर्नल मैकेनिकल पावर डेवलप है उसमें थोड़ी सी क्या आ जाएगी, कमी। मैकेनिकल एक्सटर्नल पावर में जो कमी आती है, इस पावर में जो कमी आएगी, दैट कमी इज नथिंग बट अकाउंटेड एज ए बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस। बॉल बेयरिंग की बॉल्स जो है आपकी फिक्स पार्ट से टकराने की वजह से आपकी बॉल बेयरिंग की जो है स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही। स्पीड कम होने की वजह से आपका जो है शाफ्ट की स्पीड कम हो जाएगा। शाफ्ट की अगर स्पीड कम हो जाएगी तो आपका जो है आउटपुट मैकेनिकल पावर डेवलप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना भी आपका जो है इस बॉल बेयरिंग की बॉल जब आपकी टच करेंगी तो स्पीड में जितना रिडक्शन आएगा उतनी ही आपकी आउटपुट पावर क्या हो जाएगी, कम। तो जितना भी रिडक्शन आता है आपकी आउटपुट पावर में इस बॉल बेयरिंग के फ्रिक्शन लॉस की वजह से, उसी को हम बोलते हैं बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये आपकी जो है बॉल्स आपकी जो है फिक्स पार्ट से टच नहीं करेंगे तो इसकी वेलोसिटी में कमी नहीं आएगी। अगर वेलोसिटी में कमी नहीं आएगी तो आउटपुट में ज्यादा पावर डेवलप होगी। लेकिन आप देखेंगे जो बॉल्स है, जब भी आपका शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये बॉल्स भी क्या करेंगे, रोटेट। और बॉल्स रोटेट करते करते हो सकता है जो है किससे टच कर जाए, आपकी जो है दैट इज फिक्स्ड पार्ट से टच कर जाए, तो इनकी वेलोसिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम। वेलोसिटी चूंकि ये मूव कर रहा है, वेलोसिटी कम होने की वजह से आपका जो है जो रोटेटिंग पार्ट है उसकी वेलोसिटी, अगर रोटेटिंग पार्ट की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो शाफ्ट इसी से जुड़ा हुआ है तो शाफ्ट की आपकी जो है वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अगर शाफ्ट की वेलोसिटी कम हो जाएगी तो शाफ्ट से आउटपुट में कभी मैकेनिकल पावर क्या हो पाएगी, डेवलप हो पाएगी। तो आपका जो है चूंकि इसकी टचिंग की वजह से वेलोसिटी कम हो रही है, अगर मैं इसकी टचिंग को रोक दूंगा तो जो पावर में लॉस हो रहा है उसमें क्या आएगा, रिडक्शन कम आएगा। ठीक है, तो जनरली आप बोलते हैं कि जब भी बॉल बेयरिंग की जो बॉल्स हैं जब इस फिक्स पार्ट से क्या करेंगी, टच करेंगी, टच करने की वजह से वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होने से आउटपुट पावर में क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो आउटपुट पावर में जितना भी रिडक्शन हो इस टचिंग की वजह से, टचिंग की वजह से, बॉल्स की टचिंग की वजह से आउटपुट पावर में जितना रिडक्शन है उस रिडक्शन को ही बोला जाता है बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये टच ना करती तो वेलोसिटी में रिडक्शन नहीं होता तो आउटपुट पावर में कमी नहीं आती। इस टचिंग की वजह से जितनी वेलोसिटी में क्या आएगी, कमी आएगी, उतनी पावर में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो पावर में जो कमी आ रही है इस टचिंग की वजह से, उसी को, उसी उस पावर के लॉस को ही हम लोग बोल रहे हैं बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, अच्छा, इस फ्रिक्शन लॉस को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? इस फ्रिक्शन लॉस को कम करने की हम क्या करते हैं,
बाल बेरिंग की जो बॉल्स होती हैं उनके बीच में हम क्या करते हैं, ऑयल की फिलिंग कर देते हैं, ऑयल फिलिंग कर देते हैं। ऑयल की फिलिंग करने से जो बाल बेरिंग की बॉल्स हैं ये आपकी क्या कर जाएंगी, स्किडिंग नेचर, मतलब ये जो है आपकी क्या करेंगी, रोटेट करेंगी, रोटेट करेंगी, इससे इसकी टचिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर टचिंग कम हो जाएगी तो वेलोसिटी में आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी में कमी नहीं आ पाएगी, और वेलोसिटी में कमी नहीं आएगी तो ये फ्रिक्शन लॉस जो हो रहा है, जो पावर में लॉस हो रहा है उसमें क्या जाएगी, कमी आ जाएगी। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं बाल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस को कम करना चाहता हूं तो इनको लगातार क्या करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए। लगातार रोटेट करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, चिकनापन होना चाहिए, बाल्स में क्या होना चाहिए, चिकना। जितनी बाल्स चिकनी होंगी उतना ये आपकी क्या करती जाएंगी, रोटेट करती जाएंगी। उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इन बाल बेरिंग की बॉल्स में हम लोग क्या करते हैं, ऑयल की फिलिंग कर देते हैं। ऑयल की फिलिंग करने से इनमें चिकनापन हमेशा बना रहेगा, और अगर चिकनापन बना रहेगा तो ये क्या करते रहेंगे, सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे, तो इनकी जो टचिंग है वो क्या हो जाएगी, कम होगी। फिक्स पार्ट से टचिंग अगर कम होगी तो आपका जो है पावर में जो रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर बाल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस को कम करना चाहते हैं तो वी कैन पुट ऑयल फिल्म्स होता है, ऑयल फिल्म्स मतलब ऑयल भर देते हैं, ऑयल फिल्म्स इन द बाल बेरिंग टू रिड्यूस रिड्यूस द बाल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस। और ऑयल भरने से बाल में क्या रहेगा, चिकनापन रहेगा। अगर चिकनापन रहेगा तो ये आपके मोशन करती रहेंगे। अगर मान ली किसी में चिकनापन कम हुआ, कोई रोटेट नहीं करे, तो हो सकता है वो किससे टच कर जाए, फिक्स्ड पार्ट से टच कर, जिससे वेलोसिटी कम हो जाएगी, आपके शाफ्ट की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो शाफ्ट ज्यादा पावर डेवलप नहीं कर पाएगा, आपकी पावर में रिडक्शन आएगा। पावर में जितना रिडक्शन आता है उसी रिडक्शन को बोला जाता है बाल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, हम लिख दें ऑयल फिल्म किसका काम करती है, चिकनापन का, लुब्रिकेंट का काम करती है। वी कैन पुट ऑयल फिल्म्स कैन एक्ट एज ए लुब्रिकेंट 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 ऑयल फिल्म क्या होता है, लुब्रिकेंट, चिकनापन, या फिर स्किडिंग, इसका स्किडिंग नेचर मतलब इसका फिसलने का जो नेचर है वो बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा है बॉल्स आपकी जो है फिसलेंगी उतना वो रोटेट करती रहेंगी। अगर इनका स्किडिंग नेचर या फिर इनका चिकनापन कम हो जाएगा तो ये रोटेट नहीं करेंगी, किससे टच कर जाएंगी, आपकी फिक्स्ड पार्ट से। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं, बाल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस क्या है? बाल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस कुछ नहीं है, आपकी जो बाल बेरिंग की बॉल्स है जब वो फिक्स पार्ट, जब वो रोटेट करेंगे, अगर उनमें चिकनापन कम हो जाएगा तो रोटेट करना बंद कर देंगे, रोटेट करना बंद करेंगे तो हो सकता है वो किससे टच कर जाए, आपकी फिक्स पार्ट से कट कर जाएंगी। अगर टच कर जाएंगी तो आपका जो है जो वेलोसिटी है उसकी क्या हो जाएगी, बाल बेरिंग की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी तो शाफ्ट की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो शाफ्ट की पावर में क्या आ जाएगी, कुछ कमी आ जाएगी। शाफ्ट की पावर में कुछ कमी किसकी वजह से, इन बॉल्स की टचिंग वजह से। जितनी आपकी जो है वेलोसिटी में या फिर पावर में कमी आती है शाफ्ट की, उसी पावर की कमी को हम लोग बोलते हैं बाल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, वो लॉस हो रहा है आपके आउटपुट पावर में, किसकी वजह से, इसमें फ्रिक्शन जनरेट हो, टच होने से फ्रिक्शन जनरेट होगा बाल बेरिंग में, फ्रिक्शन। भैया टच होके जितनी वेलोसिटी से आपका जो है, अगर जो है उसमें स्किडिंग नेचर कम हो जाएगा, चिकनापन कम हो जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, जितनी तेजी से वो चलनी चाहिए उतनी तेजी से आपकी चल नहीं पाएगी, तो जितनी तेजी से बाल बेरिंग रोटेट करनी चाहिए उतनी तेजी से वो रोटेट नहीं कर पाएगी, उसमें थोड़ी सी वेलोसिटी में कमी आ जाएगी, कमी होने की वजह शाफ्ट की वेलोसिटी में कमी आएगी, तो आपका जो मैकेनिकल आउटपुट पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चक्री नहीं है क्या तुम लोगों के घर में, चक्री नहीं है?
आप देखें चकरी के बीच में एक बेरिंग लगाते हैं और चकरी को करते हैं, और उसमें बीच बीच में कई बार कहते हैं ऑयलिंग भी करते हैं। अगर हम लोग ऑयलिंग ना कर दे तो उसमें क्या होता जाएगा, डस्ट जमा होती जाएगी जो चीज पीस रहे हैं, और वो जमा होती जाएगी तो आपकी जो बॉल्स हैं वो रोटेट करना क्या कर देंगी, बंद कर देंगे। रोटेट करना बंद कर देंगे तो क्या आपको वेलोसिटी मिल पाएगी, आपको चक्री को चलाने में बहुत ज्यादा ताकत लगेगी। हाँ, ग्रीस ग्रीस जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मशीन में ग्रीस नहीं लगाई जाती है, ऑयलिंग की जाती है, ऑयल फिल्म्स पुट की जाती है, ऑयल फिल्म लिखा है ऑयल फिल्म्स, यहाँ पर हम लोग ये जो बॉल्स है इनके बीच में ऑयल फिल्म, ऑयल फिल्म कुछ नहीं होता है, यहाँ पर ऑयल भर देते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉल बारी बारी से आएंगी, ऑयल उनमें चिपकता जाएगा और उसमें जो है जो चिकनापन है वो बना रहेगा, तो वो अपनी फुल वेलोसिटी से क्या करेंगी, रोटेट करेंगी। ठीक है, तो जितना भी चीज मैंने बताया उस चीज को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट राइट डाउन। ठीक है, और यहां पर आप जाके लिखेंगे जो बॉल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस होता है, बॉल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो ये आपकी रोटर की स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख रहा हूं, बॉल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस जो होता है, बॉल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस मैथमेटिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करें, ये प्रोपोर्शनल होता है रोटर की स्पीड के, एनआर के प्रोपोर्शनल होता है। इसको जाके लिखो, एनआर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर रोटर की स्पीड ज्यादा होगी तो ये लॉस भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर आप जो है बहुत आराम आराम से चक्किया चलाओगे तो बहुत ही आपका जो लॉसेज कम होगा वो, क्योंकि उनकी भिड़ने की रफ्तार क्या होगी, कम होगी। बहुत तेजी से चक्किया चलाओगे तो कई सारी बॉलें दीवार से क्या कर जाएंगी, आपकी जो है टच कर जाएंगी, तो लॉस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट द बॉल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस इज प्रोपोर्शनल टू एन आर। ठीक है, सारी चीजें मैं लिखा रहा हूं, धीमे धीमे लिखते जाइए। चलिए आ जाइए यहां पर, क्या आप लोगों ने ये फिगर बना लिया, क्या ये फिगर बना लिया, ओके फिगर। चलिए आ जाइए, जितना चीज है लिखा है वो बोला है मैंने लिखा देता हूं। ठीक है, नाउ दिस इज, नाउ यू कैन बी राइट डाउन व्हेन When we apply three phase supply, when we apply a three phase supply to the stator, when we apply a three phase supply to the stator, after क्योंकि स्टेटर में जो सप्लाई देंगे इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट देंगे तो स्टेटर की वाइंडिंग में क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे, आपके दैट इज नथिंग बट द कोर लॉस भी होंगे। उसके बाद जो पावर बचेगी वो पावर आपकी जो है किसमें ट्रांसफर होगी, रोटर में। वी व्हेन वी अप्लाई ए थ्री फेज सप्लाई टू द स्टेटर आफ्टर सम लॉसेज इन द स्टेटर द इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर्ड टू द रोटर। रोटर में जब इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर हो जाएगी तो रोटर की वाइंडिंग में भी क्या होगा, लॉस होगा। एंड इन द रोटर आफ्टर सम लॉस एंड इन द रोटर आफ्टर सम लॉस this electrical energy is converted into the mechanical energy। This electrical energy is converted into the mechanical energy. So this internal mechanical energy, so that
दिस इंटरनल मैकेनिकल एनर्जी डेवलप्ड, मैं आपको तैयार कर रहा हूं किसके लिए, कि पावर का कन्वर्जन कैसे होता है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर देंगे उसमें आपको जो है स्टेटर के लॉस घटाने पड़ेंगे, तो आपका जो है एयर गैप की पावर आ जाएगी, एयर गैप की पावर मतलब वो पावर जो रोटर में इनपुट करेगी, रोटर में कोर लॉस को घटा देंगे तो आपकी इंटरनल मैकेनिकल पावर देंगे, इस इंटरनल मैकेनिकल पावर में आपके जो है मैकेनिकल लॉसेज होंगे, मैकेनिकल लॉसेज में आपका विंडेज लॉस होगा, फ्रिक्शनल लॉस होगा, उनको घटा देंगे तो वो आपकी पावर आपके एक्सटर्नली आपके रोटर में क्या होने वाली है, डेवलप होने वाली है, ठीक है। सो दैट द इंटरनल मैकेनिकल पावर इज डेवलप्ड सो दैट दिस इंटरनल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन द रोटर विच रोटेट्स द रोटर, जो कि आपके रोटर को क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब इस मैकेनिकल जो पावर डेवलप हुई है इसको बाहर लाने के लिए हम क्या करते हैं, आपका शाफ्ट का यूज करते हैं, this internal mechanical, क्योंकि अंदर तो लोड रख नहीं सकते तो उसको बाहर लाना पड़ेगा, दिस इंटरनल मैकेनिकल एनर्जी डेवलप्ड इन द रोटर इज टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ शाफ्ट, और ये जो शाफ्ट होता है ये आपका इसके द्वारा बाहर लाया जाता है, बॉल बेयरिंग, हेल्प ऑफ शाफ्ट, एंड दिस शाफ्ट ऑफ द मशीन विल बी टेकन आउट with the help of ball bearing, ठीक है। ये आपका जो है जो साफ होगा ball bearing के द्वारा क्या लिया जाएगा, बाहर लाया जाएगा, ठीक है। अब जब जो है आपका क्या होता है कि जब हमारा शाफ्ट रोटेट करता है तो बाल बीरिंग रोटेट करती है, उसकी बॉल्स रोटेट करती है, बॉल्स मेरी किससे टच करेगी, आपकी फिक्स पार्ट से टच करेगी, जिसकी वजह से आपकी जो है शाफ्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर शाफ्ट की स्पीड कम हो जाएगी तो शाफ्ट की मैकेनिकल पावर डेवलप में कमी आ जाएगी, और शाफ्ट की मैकेनिकल पावर में जो कमी आती है उस कमी को ही किस नाम से जानते हैं, बाल बीरिंग फ्रिक्शन लॉस। तो लिख रहा हूं, When the shaft is rotated, then movable part of the ball bearing is also rotated. So that balls start, ball bearing balls is also rotating.
बॉल बेयरिंग की बॉल्स भी क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, एंड एंड सम टाइम, एंड सम टाइम दे कैन टच, दे कैन टच 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 विद द फिक्स्ड पार्ट, दे कैन टच विद द फिक्स्ड पार्ट ऑफ द बॉल बेयरिंग। वो आपकी बॉल बेयरिंग के फिक्स पार्ट से क्या करेंगे, टच करेंगे। जब टच करेंगे तो वेलोसिटी में कमी आएगी, एंड सो दैट, या फिर देयरफॉर, देयरफॉर द वेलोसिटी, देयरफॉर द एंगुलर वेलोसिटी velocity of shaft or rotor will decrease, hence mechanical power, hence output, mechanical power of the मशीन इज डिक्रीज। मशीन की जो मैकेनिकल पावर डेवलप है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिख रहा हूं द रिडक्शन, मशीन की जो है मैकेनिकल पावर में जो रिडक्शन होगा इस टचिंग की वजह से, टचिंग की वजह से वेलोसिटी थोड़ी सी कमी आएगी जिसकी वजह से आउटपुट पावर में कमी आएगी। द रिडक्शन इन द आउटपुट मैकेनिकल पावर पावर ड्यू टू रिडक्शन इन द स्पीड, स्पीड में रिडक्शन की वजह से, स्पीड ड्यू टू द टचिंग ऑफ बॉल, टचिंग ऑफ बॉल विद द फिक्स्ड पार्ट, फिक्स्ड पार्ट इज कंसीडर्ड, कंसीडर्ड एज ए बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस। बॉल जितनी पावर में कमी आई वो कहां चलेगी, बॉल बेयरिंग के फ्रिक्शन लॉस में, बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस, बॉल ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया, बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस मैथमेटिकली जो है अगर मैं रिप्रेजेंट करूं प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एनआर रोटर की स्पीड, क्योंकि बॉल बेयरिंग की जो स्पीड होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, रोटर की स्पीड। अगर रोटर को आप ज्यादा तेजी से रोटेट करेंगे तो बॉल बेयरिंग फ्रिक्शन लॉस भी ज्यादा होगा। हेलो, अगर जो है जो बेयरिंग है बहुत तेजी से रोटेट करेगी तो आपकी जो बॉल्स है वो ज्यादा टकराएंगी, ठीक है, क्योंकि जब रोटेट करेंगी तो आपका जो है अपकेंद्र बल लगेगा, ठीक है, अपकेंद्र बल, केंद्र से बाहर आपकी बॉल्स में फोर्स लगेगा तो उससे उतनी ज्यादा टच करेंगी। बहुत धीमे धीमे रोटेट करेंगी तो फोर्स कम रहेगा, तो टचिंग कम रहेगी, तो आपका जो है दैट इज आपका ये वाला फ्रिक्शन लॉस क्या रहेगा, कम आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रूसेज के बारे में। एनआर क्या है, एनआर पगला गए, रोटर की स्पीड है भाई एनआर, अरे भाई जहां भी सफिक्स में आर लगा दूं तो ये क्या है, रोटर स्पीड, रोटर स्पीड आर शाफ्ट स्पीड। अगर शाफ्ट की स्पीड ज्यादा होगी तो ये वाला लॉस ज्यादा होगा, शाफ्ट की स्पीड कम होगी तो आपका ये लॉस भी क्या होगा, कम होगा। चक्री को तेजी से घुमाओगे तो उसके जो बॉल होंगी ना वो ज्यादा टकराएंगी,
लॉस से ज्यादा हो जाएंगे, और चक्री को अगर धीमे धीमे घुमाओगे तो टचिंग कम होगी तो लॉस भी कम आएगा, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर रोटर का शाफ्ट बहुत तेजी से रोटेट करेगा तो ये वाला लॉस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और अगर आपका जो रोटर धीमे से रोटेट करेगा तो ये बहुत आसानी से एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर, बहुत तेजी से घुमाएंगे तो कुछ टच कर जाएंगे, कट 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 कट, ठीक है। चलो, और अगर आप जो है इस लॉस को कम करना चाहते हैं तो आपको क्या पुट करना होता है, ऑयल फिल्म्स पुट करना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज योर ब्रूफ लॉस। तो पहला लॉस क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट लॉस था आपका बाल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस। नेक्स्ट हम लोग बात करें ब्रूस लॉस के बारे में, ब्रूस फ्रिक्शन लॉस क्या होता है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, ब्रूस फ्रिक्शन लॉस। नेक्स्ट हेडिंग डालें ब्रूस फ्रिक्शन लॉस। ब्रूस फ्रिक्शन लॉस किसको बोलते हैं, व्हाट इज द ब्रूस फ्रिक्शन लॉस। अच्छा बताओ तुम लोगों ने, सर बाल बेरिंग साइड कवर और शाफ्ट के बीच में होगा। भैया बाल बेरिंग जो होगा उसके बीच में होगा, तो जो फिक्स पार्ट है उससे बॉल टच होगी ना, फिर साइड कवर से टचिंग नहीं होनी चाहिए। पगला गए हो ना तुम, ठीक है। तुम बेटा तुम लोग पढ़ाई छोड़ दो, जो है ये ओप्पो ओप्पो जितने हैं ये सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, तुम केवल फोन ही चलाओ बेटा, ठीक है। ये तुम्हारा मूवेबल पार्ट है, ये बीच में है, जब ये मूव करेगा, ठीक है, जब ये मूव करेगा तो ये जो है आपका कई बार इससे टच नहीं करेगा, ये वाला फिक्स पार्ट है जो कि हमारा किससे साइड कवर से टच है, ठीक है। ये यहाँ मूव कर सकते हैं, अगर ये बिल्कुल सर्कुलर पाथ को आपका, अगर मैं इनको धीमे धीमे रोटेट कराऊंगा तो इनमें से सब सर्कुलर पाथ में रोटेट, तेजी से रोटेट करेंगे तो हो सकता है कि कुछ किससे टच कर जाए, इससे टच कर दे। जाओ घर में मम्मी से बोलो चकिया दो और चकिया चला के देखो, ठीक है, तब तुमको समझ में आएगा। एक तो साला कोई पढ़ाता नहीं है, पढ़ाओ तो तुम्हारे दुनिया भर के फर्जी के क्वेश्चन रहते हैं, जो है समझने की कोशिश नहीं करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं ब्रूस फ्रिक्शन लॉस। देखो ब्रूस फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, आप लोग ने जो है अपने बचपन में कभी ना कभी साइकिल चलाई होगी, ठीक है। अब साइकिल जब चलाई होगी तो आपने देखा होगा कि जब जो है कभी आपको साइकिल को रोकना होता है तो आप क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं। ब्रेक मारते तो क्या होता है, ठीक है, ब्रेक क्या होता है, आपका एक जो है काफी जो है आपका जो है एक जो है क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, एक रबर का जो है सॉलिड रबर का एक टुकड़ा लगा होता है। जब आप ब्रेक मारते हैं तो सॉलिड जो रबर का टुकड़ा होता है वो रिम के साथ क्या होता है, चिपक जाता है, और रिम के साथ जब वो चिपक जाएगा तो क्या क्रिएट होगा, रिम और आपके जो है इस रबर के टुकड़े के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा, और फ्रिक्शन की वजह से आपकी जो है जो साइकिल है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि जो रोटेशनल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और आपकी साइकिल क्या हो जाएगी, रुक हो जाएगी। तो दैट इज नथिंग बट द, आप देखेंगे कि जो है जनरली जो है जो आपका ब्रूस लॉस होता है, ब्रूस लॉस भी आपका इसी तरह होता है कि जब आपको जो है अपनी साइकिल को रोकना होता है तो आप अपनी साइकिल के ब्रेक को दबाते हैं। ब्रेक को दबाने से जो आपका सॉलिड रबर का टुकड़ा होता है वो रिम के साथ क्या होता है, चिपक जाता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, और फ्रिक्शन की वजह से जो रोटेशनल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और आपका थोड़ी देर के बाद आपकी साइकिल क्या होती है, रुक जाती है। सेम चीज आप देखेंगे कि यहां भी ब्रूस के बारे में चलते हैं, यहां पर देखो ब्रूस के बारे में, ये आपके पास ब्रूस है, ये आपके पास ब्रूस है, ये स्लिप रिंग है जो कि आपकी रोटेट कर रही है, और ब्रूस आपकी कैसी है, फिक्स है, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, जनरली हम क्या करते हैं, जो ब्रूस होती हैं इनको हम लोग क्या करते हैं, जनरली जो है इसमें क्या करते हैं, आपका स्लिप रिंग के साथ सटा के रखते हैं, मतलब इनको थोड़ा सा पुश करके रखते हैं। जो ब्रूस होती हैं वो पुशिंग फोर्स, मतलब इसको जो है इसके साथ टाइटली पुश करते हैं, फोर्स के द्वारा इनको क्या कर देते हैं, स्लिप रिंग के ऊपर टाइटली फिक्स कर, फिक्स करने का मतलब है कि आपका चिपका के रखते हैं। तो जेंटली जो है ये जो आपकी ब्रूस है, ये जो आपकी कार्बन की ब्रूसेज है, इनको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दबा के रखते हैं स्लिप रिंग के साथ, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा पुशिंग फोर्स प्रोवाइड करते हैं। क्यों हम इसको जो है बिल्कुल चिपका के रखते हैं, मतलब पुशिंग का मतलब है कि जो कार्बन की ब्रश होनी चाहिए वो स्लिप रिंग से बिल्कुल चिपकी हुई होनी चाहिए,
अगर मान लीजिए इनके बीच में एयर होगी तो क्या होगा? अगर मैं इस ब्रश को स्लिप रिंग से बिल्कुल चिपका के नहीं रखूंगा, चिपकाने के लिए आप क्या करते हैं, इस ब्रश को आप थोड़ा सा जेंटली पुश कर देते हैं। पुश करने का मतलब बिल्कुल चिपक के रहे, कोई एयर वेयर। अगर इनके बीच में एयर होगी तो आप देखिए, जब करंट होगा, करंट यहां से आएगा वाइंडिंग से स्लिप रिंग से होती हुई, बीच में अगर एयर होगी तो एयर की वजह से क्या होगा, स्पार्किंग होगी। और स्पार्किंग होने की वजह से जो साइड है, साइड एज, एयर की वजह से स्पार्किंग हुई, स्पार्किंग की वजह से आपकी ब्रश और स्लिप रिंग क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं कि जो कार्बन की ब्रशेज होते हैं उनको हम स्लिप रिंग में क्या करते हैं, थोड़ा सा पुश करके रखते हैं, बिल्कुल चिपका के। मतलब आप स्प्रिंग की हेल्प से क्या करेंगे, थोड़ा सा फोर्स प्रोवाइड करते रहे, वो फोर्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रशेज होती है वो स्लिप रिंग में क्या रहती है, चिपकी रहती है। ठीक है, अब जब ये जो है थोड़ा सा पुशिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो जब आपका जो है शाफ्ट रोटेट करेगा तो स्लिप रिंग रोटेट करेगी। जब स्लिप रिंग रोटेट करेगी तो आपका जो है, अगर ये दूसरी बिल्कुल इसमें चिपकी हुई है, पुशिंग फोर्स है, तो ये क्या करेगी, आपका जो है फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, दैट इज आपका जैसे ब्रेक में जैसे ही आपका जो है टुकड़ा जो है रिम से चिपकेगा तो उनके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन क्रिएट होगा। तो उसकी वजह से मेरी जो है क्या होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी साइकिल की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और साइकिल की स्पीड अगर कम हो जाएगी तो रुक जाएगी। तो सेम चीज यहाँ भी आप देखेंगे कि जो ब्रश होती है, जनरली हमारी ब्रश और स्लिप रिंग के बीच में कोई भी एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एयर होगी तो उसकी वजह से स्पार्किंग क्रिएट होगी। अगर स्पार्किंग क्रिएट होगी तो आपकी जो है ब्रश और स्लिप रिंग क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगे। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं, ये जो ब्रशेज होते हैं, इन ब्रशेज में हम लोग क्या करते हैं, जेंटली थोड़ा सा फोर्स प्रोवाइड करके आपके स्लिप रिंग के साथ इनको क्या करते हैं, आपका जो है जेंटली चिपका के रखते हैं। चिपकाने की वजह से क्या होगा कि आपका जो है इनके बीच में, जब जो है आपका जो है शाफ्ट रोटेट करेगा तो स्लिप रिंग भी रोटेट करेगी, और स्लिप रिंग जब रोटेट करेगी तो इनके बीच में क्या होगा, फोर्स आपका जो है, दैट इज नथिंग बट द घर्षण क्रिएट होगा। उस घर्षण की वजह से जब यू है ये जो ब्रश है इसमें पुशिंग फोर्स अप्लाई करेगी तो इसकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर वेलोसिटी में कमी हो जाएगी तो आपका जो है मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो रही है वो क्या हो जाएगी, कमी। और इस पुशिंग फोर्स की वजह से शाफ्ट की वेलोसिटी में जितनी कमी आएगी उतना इसकी मैकेनिकल पावर में क्या जाएगी, कमी। और मैकेनिकल पावर में जितनी कमी आती है इस पुशिंग फोर्स की वजह से, ब्रश के पुशिंग फोर्स की वजह से, उसी पावर के लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रश पावर लॉस या फिर ब्रश फ्रिक्शन लॉस। तो यहां पर मैं इस चीज को एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जनरली आप देखेंगे कि जनरली जो ब्रश होती है वो आपकी स्लिप रिंग के साथ क्या होती है, सटी रखी होती है। सटी कब रखी रहेगी, जब ये थोड़ा सा क्या होगा, जेंटली पुश फोर्स हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई। पुश फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, स्प्रिंग की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको पुश करके रखते हैं। अब जब ये इस स्लिप रिंग के साथ ब्रश चिपक के रहेगी तो जब आपका जो पुशिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपका जो, आप अगर मान लो ये इसके साथ पुश होके नहीं रहती, चिपक के नहीं रहती, तो ये ज्यादा स्पीड से क्या करती, रोटेट करती, शाफ्ट ज्यादा तेज। लेकिन पुशिंग फोर्स की वजह से, इस ब्रश के पुशिंग फोर्स की वजह से दोनों के बीच में घर्षण पैदा होगा, जिसकी वजह से आपके शाफ्ट की वेलोसिटी में क्या आ जाएगी, थोड़ी सी कमी। जब आपका शाफ्ट रोटेट करेगा, क्योंकि ब्रश पुशिंग फोर्स क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, तो घर्षण की वजह से उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आपका शाफ्ट की वेलोसिटी में कुछ कमी आ जाएगी तो शाफ्ट से जो मैकेनिकल पावर आउटपुट में जा रही होगी उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इस पुशिंग फोर्स की वजह से शाफ्ट की वेलोसिटी में जो कमी आती है, उस कमी की वजह से आउटपुट पावर में, आउटपुट मैकेनिकल पावर में जितना रिडक्शन होगा, उस रिडक्शन को बोलते हैं ब्रश फ्रिक्शन लॉस। क्या मेरी बात समझ रहे हैं, क्या मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो चलो इसको लिखें जरा। तो ब्रश फ्रिक्शन लॉस क्या होता है, ब्रश फ्रिक्शन लॉस क्या होता है? ठीक है, तो आप देखेंगे जनरली इन द मशीन, लिखें जरा, जनरली जनरली इन द मशीन देयर इज ए नो एयर गैप, एयर गैप इन बिटवीन ब्रश एंड स्लिप रिंग, ब्रश एंड स्लिप रिंग। स्लिप रिंग और ब्रश के बीच में कोई भी एयर गैप नहीं होता, टू अवॉइड द स्पार्किंग बिटवीन देम, टू अवॉइड द
स्पार्किंग, स्पार्किंग बिटवीन ब्रश एंड स्लिपरिंग, स्लिपरिंग और ब्रश के बीच में स्पार्किंग ना हो, इसलिए उनके बीच में हम लोग बेटा इसको लगाते इसलिए है ना कि अगर ब्रश नहीं लगाएंगे ठीक है तो आप अपने यहां पर सुनो, अगर आप ब्रश नहीं लगाएंगे तो आपका जो है ये जो कंडक्टर इसको हम बाहर कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये फिक्स होती है ना, फिक्स कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इस चीज को फिक्स रखना है तो यहां पर एक फिक्स पार्ट रखना पड़ेगा। अब कंडक्टर थोड़ा सटा दोगे तुम स्लिपरिंग से, कंडक्टर सटा दोगे तो वो जो है तो जैसी दो चार चक्कर मारेगा तो कम हो जाएगा। तो जनरली हम ब्रश के थ्रू, ब्रश ब्रश से हम क्या कर देते हैं, आपके कंडक्टर को कनेक्ट कर देते हैं, और ये ब्रश आपकी किससे टच होती है, हमेशा स्लिपरिंग से टच होती है, तो ब्रश लगाना जरूरी है ठीक है। चलो तो जनरली आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट द आपका जो है स्पार्किंग, स्पार्किंग को अवॉइड करने के, क्योंकि अगर एयर होगी तो स्पार्किंग होगी और एज पे स्पार्किंग ज्यादा होती है, तो जनरली स्पार्किंग को रोकने के लिए स्लिपरिंग और ब्रश के बीच में कोई भी एयर गैप नहीं होता, उस एयर गैप को ना रहे इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग ब्रश को प्रेस करके रखते हैं, द सो दैट द ब्रश आर जेंटली प्रेस्ड जेंटली प्रेस्ड थोड़ी सी दबाई जाती है ठीक है। इन ब्रश को हम लोग क्या करते हैं, बीच में एयर ना रहे इसलिए हम ब्रश को थोड़ा सा जेंटली दबाए रखते हैं जिससे कि एयर गैप ना बने। ये जो है जेंटली थोड़ा सा क्या होंगी आपकी जो है चिपकी होने के लिए इनको थोड़ा सा हम पुश फोर्स जेंटली प्रेस करके रखते हैं। अब जब ये जेंटली प्रेस होंगी तो दोनों जब जो है आपका शाफ्ट रोटेट करेगा, क्योंकि ब्रश उससे चिपकी है जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन जब क्रिएट होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिख रहा हूं सो दैट ब्रश आर जेंटली प्रेस्ड, सो दैट हेंस देयर फोर, या फिर लिख रहा हूं देयर फोर व्हेन द शाफ्ट, व्हेन द शाफ्ट एंड स्लिपरिंग आर रोटेटेड द ब्रशेज आर अप्लाइड, क्योंकि वो चिपकी हुई है तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगी, जैसे आपका रबड़ का जो टुकड़ा होता है रिम से जब चिपकता है तो फ्रिक्शन फोर्स आता है, आर रोटेटेड देन देन दिस ब्रशेज ब्रशेज आर अप्लाइड सम फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स सो दैट द स्पीड स्पीड ऑफ द स्पीड ऑफ द शाफ्ट विल बी रिड्यूस, उसकी स्पीड में शाफ्ट की स्पीड में थोड़ी सी क्या आ जाएगी कमी, इस फ्रिक्शन की वजह से जितना तेजी से वो रोटेट, क्योंकि आपका ये रोटेट कर रहा है अब आपने दबा के रखा तो इसकी स्पीड में थोड़ी सी कमी आ जाएगी, तो दैट इज जो आपका मैकेनिकल नेट पावर डेवलप हो रही आउटपुट में दैट इज टॉर्क इनटू ओमेगा आर, अगर स्पीड में थोड़ी सी कमी आ जाएगी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, ब्रश फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, तो मैकेनिकल पावर आउटपुट में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, हेंस हेंस द मैकेनिकल देन आउटपुट मैकेनिकल पावर इज रिड्यूस्ड सो दैट
सो दैट रिडक्शन इन द आउटपुट मैकेनिकल पावर ड्यू टू रिडक्शन इन द स्पीड ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रूस ड्यू टू द पोस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स लिख देता हूं ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाई द ब्रश इन द क्लिपिंग एज कंसीडर्ड एज ए ब्रश फ्रिक्शन लॉस। अच्छा ये बताइए इस ब्रश फ्रिक्शन लॉस को कैसे कम किया जा सकता है। इस ब्रश बिल्कुल घिस जाती हैं, बिल्कुल कंटिन्यूअस जो है अगर जो है टचिंग होती रहेगी तो ब्रश घिस जाएंगी, तो उस ब्रश को हमें बदलना भी पड़ेगा कई बार। भैया तो जब घिस जाएगी तो नई ब्रश लगा देंगे ना, जब एयर गैप आ जाएगा जहां आपको दिखेगी भाई स्पार्किंग होने लगी, मतलब कि जो है आपका जो है अच्छा, तो स्प्रिंग की वजह से दबाए रहते हैं, ठीक है, स्प्रिंग की वजह से, जैसे ये आपका स्लिप रिंग है यहां पर मैं ऊपर स्प्रिंग लगा रखी हूं, उससे इसे टच है, तो जैसे जैसे ये घिसता जाएगा तो स्प्रिंग इसको दबाती रहेगी, ठीक है, और जब ये पूरा घिस जाएगा जो है तो फिर हम उसको क्या कर देंगे, बदल देंगे, ठीक है। एयर गैप नहीं आ जाएगा, यहां पर स्प्रिंग लगी होती है, हेलो, यहां लगी होती है, स्प्रिंग की हेल्प से हम जेंटली इसको पुश करके रखते हैं, यहां पर हम क्या करते हैं पुशिंग फोर्स के लिए स्प्रिंग से कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे जैसे घिरता जाएगा इस ये स्प्रिंग इसको दबाती रहेगी, जब ये पूरी घिस जाएगी तो नया हम लोग क्या करते हैं लगाते हैं। अब देखो इस फ्रिक्शन लॉस को, ये जो ब्रश की वजह से फ्रिक्शन लॉस, इसको कैसे कम कर सकते हो। साइकिल में आप देखेंगे, साइकिल में अगर आप जो है ये जो आपके पास रबड़ का टुकड़ा है और रिम के बीच में अगर मैं ऑयल प्लेस कर दूं तो उनके बीच में स्किडिंग मतलब जो है फिसलन आ जाएगी तो आप चाहे जितना ब्रश लगा जितना ब्रेक लगा वो रुकेगी नहीं। तो अगर आप जो है फ्रिक्शन लॉस को आप अपने जो है रिम और जो है रबर के टुकड़े के बीच में अगर ऑयल प्लेस कर देंगे तो उनके बीच में स्किडिंग नेचर आ जाएगा, स्किडिंग नेचर मतलब चिकनापन आ जाएगा, तो जब आप जो है ब्रेक को लगाएंगे तो चिकनेपन की वजह से, ऑयल के चिकनेपन की वजह से आपका जो है जो फ्रिक्शन है आपके रिम और रबड़ के टुकड़े के बीच में कम हो जाएगा, तो आपका जो है आपकी जो साइकिल क्या नहीं होगी, रुकेगी नहीं, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, जनरली क्या कर सकते हैं कि अगर मैं जो है इस ब्रश के फ्रिक्शन लॉस को कम करना चाहता हूं तो स्लिप रिंग और ब्रश के बीच में ऑयल भर दें, लेकिन अगर मैं स्लिप और ब्रश के बीच में ऑयल भर दूंगा तो आपकी जो मशीन है वो ऑयली ऑयली हो जाएगी, मतलब ऑयल ऑयल पूरी मशीन हो जाएगी। इसलिए जनरली हम क्या करते हैं कि आपका जो है स्लिप रिंग और ब्रश के बीच में फ्रिक्शन लॉस को कम करने के लिए ऑयल नहीं डालते, ऑयल डालने से फ्रिक्शन कम हो जाएगा, लेकिन अगर ऑयल में डाल दूंगा तो आपकी मशीन ऑयली ऑयली हो जाएगी, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं यहां पर, हम लोग जो है जो ब्रश है वो किसकी लेते हैं, कार्बन की लेते हैं, किसकी लेते हैं कार्बन की। पहला चीज जो कार्बन लेने का सबसे मेन रीजन है, कार्बन आपका कैसा मटेरियल है, आपका सॉफ्ट मटेरियल है, सॉफ्ट मतलब जो है मुलायम मटेरियल है, ठीक है। कार्बन कैसा मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है। अगर सॉफ्ट मटेरियल होगा तो इस पे जो है जब हम उसको दबाएंगे तो इस पे एक तो फोर्स वो क्या करेगा, कम अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होगा। दूसरा जो कार्बन होता है उसमें स्किडिंग नेचर होता है, क्योंकि सॉफ्ट होता है, अगर कोई चीज सॉफ्ट है तो जब हम जो है जब स्लिप रिंग रोटेट करेगी तो अगर ये सॉफ्ट है तो आसानी से रोटेट कर पाए, उनके बीच में फ्रिक्शन मेंटेन रहे, आपका जो है स्लिपिंग मेंटेन रहेगी, ठीक है, स्किडिंग नेचर मेंटेन रहेगा। अगर ये कठोर होता तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्या होता, ज्यादा होता। तो इसी चीज को बोलते हैं, चूंकि आपका जो है कार्बन सॉफ्ट मटेरियल है, और अगर सॉफ्ट मटेरियल है तो आपका जो है जो स्लिप रिंग और कार्बन के बीच में
जो चिकनापन है वो मेंटेन रहेगा, इसको बोलते हैं सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी। लुब्रिकेंट मीन्स होता है चिकनापन, ठीक है। तो जनरली कार्बन मेरा सॉफ्ट मटेरियल है, उसमें सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी है, मतलब घर्षण जो है ज्यादा पैदा नहीं करता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपका ये लॉस हो जाता है कम। लेकिन अगर जो है मैं कार्बन की जगह क्या यूज करता, कॉपर यूज करता, तो कॉपर आपका जो है कैसा मटेरियल है, टफ मटेरियल है, ठीक है। टफ मटेरियल है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा डेवलप होता, तो लॉस भी क्या होते, ज्यादा होते हैं। तो कार्बन को यूज करने का मेन कारण क्या है, एक तो कार्बन मेरा कैसा मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल की वजह से जब हम इसको जेंटली दबाएंगे तो इनके बीच में फ्रिक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा, और इनके बीच में चिकनापन क्या रहेगा, क्योंकि सॉफ्ट है दबेगा, तो इनके बीच में जब ये आपका जो है आपका जो है शाफ्ट रोटेट करेगा, फिर स्लिपरिंग रोटेट करेगी, तो उनके बीच में चिकनापन बरकरार रहेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, कम रहेगा। इस वजह से हम लोग कार्बन क्या करते हैं। लेकिन कार्बन जो है, कार्बन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। आपका कॉपर में वोल्टेज ड्रॉप कम होता था, कॉपर में कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, कार्बन आपका जो है क्या होता है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, तो कार्बन जो ब्रश है वो कार्बन की बनी है, इसमें ड्रॉप ज्यादा होगा, तो इस ड्रॉप को आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब हम डीसी मोटर पढ़ेंगे तो वहां भी कार्बन की ब्रशेज क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि कार्बन में आपका जो है, क्योंकि कार्बन में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, तो कई बार हमें ब्रश के ड्रॉप को भी क्या करना पड़ेगा, कंसीडर। अगर ब्रश ड्रॉप दिया होगा तो कंसीडर करेंगे, नहीं दिया होगा तो वी कैन नॉट बी कंसीडर, ठीक है। तो जब हम लोग डीसी मोटर पढ़ेंगे तो वहां पर हमें इस वो ड्रॉप को कंसीडर करना पड़ेगा। यहां भी अगर दिया होगा तो हम लोग कंसीडर कर लेंगे, नहीं दिया होगा तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है कार्बन कंडक्टिंग होता है, लेकिन कॉपर की अपेक्षा कम कंडक्टिंग होता है। कॉपर में जो है यहाँ पर ड्रॉप कम होगा, ठीक है, क्योंकि करंट पास करेगा ना भैया, करंट बाहर लेके जाना है, शॉर्ट सर्किट है, करंट फ्लो कराना है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, कार्बन का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कॉपर, तो यहाँ पर ड्रॉप ज्यादा होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर जो है हमें फ्रिक्शन लॉस क्या करना है, कम करना है। तो कॉपर कठोर मटेरियल होता है, ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर जो है ब्रुसेज लॉसेज क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन कार्बन सॉफ्ट मटेरियल होता है, जिसमें सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लुब्रिकेंट मतलब चिकनापन बनाए रखने की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, इसलिए यहाँ पर जो है जो ब्रुसेज आपके फ्रिक्शन लॉस है वो क्या हो जाएंगे, कार्बन को यूज करने से कम हो जाएंगे। तो मैं लिख देता हूं, यहाँ पर आपने लिखा होगा व्हाई द कार्बन इज यूज्ड, व्हाई द कार्बन इज यूज्ड, उसमें लिखे कार्बन हम लोग जनरली क्यों यूज करते हैं, लिखे द कार्बन ब्रशेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन ब्रशेज, ब्रश फ्रिक्शन लॉस, ब्रश की वजह से फ्रिक्शन लॉस आएगा, जिसकी वजह से आपकी शाफ्ट की स्पीड कम हो जाएगी। अगर इस फ्रिक्शन लॉस को कम करना चाहते हैं तो जो ब्रश यूज करना है वो किसकी यूज करना है, कार्बन, कार्बन ही यूज टू रिड्यूस ब्रश फ्रिक्शन लॉसेज, बिकॉज बिकॉज कार्बन इज ए सॉफ्ट मटेरियल, इज ए सॉफ्ट मटेरियल विद, जो कि चिकनापन बनाए रहता है, ठीक है, विद सेल्फ, जिसको बोलते हैं सेल्फ लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी। लुब्रिकेंट मीन्स चिकनापन आना, जैसे आप जो है क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल डालते हैं अपने इंजन के अंदर, सेल्फ लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। इसलिए जनरली हम लोग कॉपर प्रेफर करते हैं एज कंपेयर, आपका कार्बन प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर हार्ड मटेरियल होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो ब्रुसेज लॉसेज, ब्रुसेज फ्रिक्शन लॉसेज ज्यादा होंगे। कार्बन में आपका सॉफ्ट मटेरियल होता है और साथ ही साथ वो चिकनापन बनाए रखता है स्लिपरिंग और आपके ब्रुसेज के बीच में, जिसकी वजह से लॉसेज क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज है कि अगर मैं कंपेयर करना चाहूं स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर और केज रोटर में, दैट इज स्क्वायरल केज रोटर में, किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, केज रोटर और आपका जो है स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में किसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी,
केज की ज्यादा होगी, ठीक है, केज की इफिशियंसी ज्यादा हो, क्यों? क्योंकि केज रोटर में आप देखेंगे कि आपका जो है वाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन आपका स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग होती है। वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, स्लिपरिंग और ब्रशेस की हेल्प से क्या करते हैं। अच्छा देखो, आपका जो है जो केज रोटर होगा, हेलो, केज टाइप की इंडक्शन मोटर में ध्यान सुनिएगा, केज टाइप की इंडक्शन मोटर में आपका जो है शाफ्ट होगा, स्लिपरिंग में भी शाफ्ट होगा, और आपका जो है बाल बेरिंग की हेल्प से हम लोग शाफ्ट को निकालेंगे। लेकिन आपका स्लिपरिंग में क्या होगा, आपका स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में यहाँ पर स्लिपरिंग होगी, लेकिन केज रोटर में वाइंडिंग को बाहर नहीं लाते हैं, यहाँ पर बाहर लाते हैं, तो आपका स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में आपके पास क्या होने वाली है, दैट इज द स्लिपरिंग होने वाली है, जिसकी वजह से स्लिपरिंग और ब्रुशेज होंगे, जिसकी वजह से आपका क्या होंगे बेटा, दैट इज द ब्रुश फ्रिक्शन लॉस अकर होंगे। लेकिन केज रोटर में स्लिपरिंग होती नहीं है, तो उसमें ब्रुश लॉसेज नहीं होंगे, ठीक है। तो जिस मशीन में लॉस ज्यादा होगा उसकी इफिशियंसी क्या होगी, कम होगी। तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है उसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है, क्योंकि आपका जो है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ब्रश लॉसेज नहीं होते हैं, वहां पर कोई भी ब्रश व्रुश नहीं होती है। लेकिन स्क्वायरल केज मोटर में आपका ये वाला लॉस होगा, बाल बेरिंग लॉस होगा, बाल बेरिंग फ्रिक्शन लॉस होगा, क्योंकि शाफ्ट को आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना, बाल बेरिंग तो यूज करेंगे, लेकिन केज रोटर में आपकी वाइंडिंग नहीं होती है, और वाइंडिंग आप रॉड्स होते हैं जो कि अंदर ही क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किट होते हैं, जिसकी वजह से आप उसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम होता है। लेकिन स्लिपरिंग रोटर में क्या होता है, स्लिपरिंग रोटर में हम लोग क्या करते हैं, जो तीन टर्मिनल होते हैं रोटर की वाइंडिंग को, उनको बाहर निकाल के लाते हैं। किसकी हेल्प से बाहर निकाल के लाते हैं, स्लिपरिंग और ब्रशेज की हेल्प से, और स्लिपरिंग और ब्रशेज होंगी तो उनके बीच में क्या होगा, दैट इज द फ्रिक्शन लॉस होगा, तो दैट एक्स्ट्रा लॉस विल बी इन द स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर, और इस एक्स्ट्रा लॉस की वजह से उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हाँ, तो दैट इज नथिंग बट द आपका जो है यहां पर लिखिए, जिस भी मशीन में लॉस ज्यादा होगा उस मशीन इफिशियंसी क्या होगी, कम होगी। तो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में एक एक्स्ट्रा लॉस मिलेगा, क्योंकि स्लिपरिंग और ब्रशेज होंगे, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ब्रशेज लॉस होंगे, जिसकी वजह से इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, द इफिशियंसी ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इज स्लाइटली मोर देन द इफिशियंसी ऑफ स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर एज देयर इज ए या फिर ये लिखे एज ब्रश फ्रिक्शन लॉस, ब्रश फ्रिक्शन लॉस, लॉसेज आर कंप्लीटली कंप्लीटली अब्सेंट इन द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ब्रश फ्रिक्शन ब्रश होती नहीं, स्लिपरिंग ब्रश होती नहीं, तो ये लॉसेज नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी इफिशियंसी क्या होगी, आपके स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर से ज्यादा होगी। स्क्वायरल केज की इफिशियंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। चलो अब यहां पर अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, एक चीज यहां पर आप सुनेंगे, मैथमेटिकली जो आपके ब्रुशेज फ्रिक्शन लॉस होते हैं वो आपके स्पीड के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते हैं, स्पीड के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा आपका जो है ब्रुशेज लॉस होगा। तो यहां पर एक चीज और लिखेंगे, यहां पर नोट करके लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लिखा रहा हूं लिखते जाइए, ये सब कोई बताएगा नहीं और एग्जामिनेशन में पूछा भी जाएगा, ठीक है। लेकिन द ब्रश
फ्रिक्शन लॉसेज प्रोपोर्शनल टू एन आर स्क्वायर, रोटर की स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है एन आर स्क्वायर। ऊपर भी जाके लिखेंगे इसको। चलिए यहां पर आइए, यहां भी आपको लिखना है कि दैट इज नथिंग बट द ब्रूस फ्रिक्शन लॉस। ब्रूस फ्रिक्शन लॉस जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन आर स्क्वायर, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन आर स्क्वायर। यहां भी जाके लिखें प्रोपोर्शनल टू एन आर स्क्वायर। ब्रूस फ्रिक्शन लॉस को अगर मैथमेटिकल लिखना चाहें तो ये स्पीड के, रोटर की स्पीड के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं विंडेज लॉस। विंडेज लॉस थर्ड लॉस लिखिए, विंडेज लॉस। तो मेरी ये बात क्लियर हो गई, कार्बन की ब्रश क्यों यूज करते हैं, कॉपर की क्यों यूज नहीं करते। कार्बन क्योंकि मेरा सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसकी वजह से सेल्फ लुब्रिकेशन बना रहता है, चिकनापन बना रहता है। लेकिन कॉपर में ऐसा नहीं होता है, कॉपर हार्ड मटेरियल पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो ज्यादा लॉस होगा। लेकिन कार्बन ब्रश यूज करने से चूंकि इसकी कंडक्टिविटी कम होती है, ड्रॉप ज्यादा होगा, तो ड्रॉप को कंसिडर करेंगे, यहां पर ड्रॉप कम होगा। ठीक है, चलिए थर्ड हेडिंग डालिए विंडेज लॉस। थर्ड हेडिंग डालिए विंडेज लॉस। थर्ड हेडिंग डालिए विंडेज लॉस। विंडेज लॉस क्या होते हैं जरा इसको समझने की कोशिश करिए। रुक जाओ, 10 मिनट में खत्म होने वाला है, तुम 10 मिनट में पूरा जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है रिवीजन कर लोगे 12 तारीख के लिए। अभी तक तुम सो रहे थे ना, तब तो तुम्हें नहीं मालूम था टीआरडीओ पेपर है इतने दिनों से, है ना। एक साल एक महीने में तुम्हें नहीं मालूम चला कि तुम्हारा डीआरडीओ पेपर है, आज तुम 10 मिनट में रिवीजन कर लोगे, तो तुम जाओ रिवीजन कर लो, है ना। एग्जामिनेशन एक दिन की प्रिपरेशन से नहीं निकलता है, साल भर आपने क्या पढ़ा उससे निकलता है। ठीक है, यहाँ जी अच्छा ये बताइए, आप देखेंगे कि जो है जो इंडक्शन मोटर होती है उसमें क्या होता है, स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होता है, एयर गैप होता है। एयर गैप अगर होगा तो यहाँ पर क्या होगी, एयर होगी। तो जब मेरा रोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो इसके सराउंडिंग में एयर गैप में जो एयर है वो भी क्या करेगी, रोटेट करेगी। जब एयर रोटेट करेगी तो रोटर के आपके मूवमेंट को क्या करेगी, अपोज करेगी, अपोज करेगी फ्रिक्शन फोर्स लगा के। ठीक है, तो जनरली आप देखेंगे इस एयर के अपोजिशन की वजह से रोटर का जो स्पीड हो जाएगी वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर अपोजिशन होगा किसी भी चीज का, मान लो मैं दौड़ रहा हूं और मुझे कोई पीछे से खींच रहा है, तो मेरी जितनी तेजी से मैं भाग सकता हूं उतनी तेजी से भाग नहीं पाऊंगा, तो मेरी स्पीड में थोड़ी सी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो स्पीड में जब कमी आएगी तो आपका जो है जो पावर डेवलप होगा, आपके एक्सटर्नल पावर डेवलप जो होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपकी स्पीड में इस कमी की वजह से आपके आउटपुट में जितना रिडक्शन होता है उसी रिडक्शन को हम बोलते हैं विंडेज लॉसेज। ठीक है, तो जनरली मैंने क्या बोला, मैं आपको फिर से बोलता हूं कि आपका जो है दैट इज आपका रोटर और स्टेटर के बीच में क्या होता है, एयर गैप होता है। इंडक्शन मोटर में एयर गैप देते हैं, ठीक है, इस एयर गैप में एयर होगी। जब रोटर रोटेट करेगा तो एयर गैप में जो एयर है वो भी सर्कुलेट करेगी। अब जब एयर जो है रोटेट करेगी तो वो रोटर को क्या करेगी, मोशन को अपोज करेगी। ठीक है, मोशन को जब वो अपोज करेगी तो जिसकी वजह से आपके रोटर की या फिर शाफ्ट की स्पीड में थोड़ी सी क्या जाएगी, कमी। अगर स्पीड में थोड़ी सी कमी आएगी तो आउटपुट पावर भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस विंडेज फोर्स के अपोजिशन की वजह से आउटपुट पावर में जितनी कमी आती है दैट आपका लॉस इज कंसीडर एज ए विंडेज लॉस। ठीक है, अच्छा ये बताइए किस मोटर में स्क्वायरेज लॉस ज्यादा होगा और विंडेज लॉस किस में कम होगा। आप देखेंगे स्क्वायरल के जो रोटर में, जो रोटर का सरफेस होता है क्योंकि उसमें कोई वाइंडिंग नहीं होती तो चिकना सरफेस होता है। अगर चिकना सरफेस होगा तो आप वहां पर एयर गैप क्या रखेंगे, कम रखेंगे। अगर एयर गैप हम कम रखेंगे तो एयर का अमाउंट भी क्या होगा, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कम होगा। अगर एयर का अमाउंट कम होगा तो एयर की वजह से अपोजिशन भी क्या होगा, कम होगा। अगर एयर की वजह से अपोजिशन भी कम होगा तो अगर अपोजिशन कम है तो एयर की वजह से जो विंडेज लॉस है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होगा,
कम होगा। लेकिन स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में क्या होता है, आप वाइंडिंग करते हो, वाइंडिंग करने की वजह से जो एयर गैप होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। एयर गैप अगर ज्यादा होगा तो एयर का अमाउंट भी एयर गैप में क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एयर का अमाउंट एयर गैप में ज्यादा है तो उसकी वजह से अपोजिशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अपोजिशन ज्यादा होने की वजह से स्पीड में रिडक्शन भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपके विंडेज की वजह से पावर लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में आपका जो विंडेज लॉस होता है दैट इज ए हाई एज कंपेयर टू स्क्वायरल केज। अगर स्क्वायरल केज में विंडेज लॉस कम है और स्लिपरिंग में ज्यादा है तो भी इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी, दैट इज नथिंग बट द स्क्वायरल केज की इफिशियंसी ज्यादा होगी, क्योंकि इसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्लिपरिंग से, क्योंकि उसमें विंडेज लॉस क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो जरा इस चीज को भी लिख लेंगे। चलो विंडेज लॉस में लिखें, इन द इंडक्शन मशीन देयर इज ए एयर गैप इन बिटवीन स्टेटर एंड रोटर सो दैट When rotor is rotated, the air surrounding the rotor, the motion of rotor. Hence, the speed of rotor is slightly decreased due to air opposition. थोड़ी सी कम हो जाएगी तो आउटपुट में मैकेनिकल पावर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिख रहा हूं, the output mechanical power developed is reduced. Therefore, is considered the reduction in speed due to the opposition of air is considered as a windage friction loss. ठीक है, अब आप लिखेंगे in the squirrel cage induction windage friction loss
आरलेस इन द स्लिप रिंग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द एयर गैप इज मोर सो दैट इन द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर द विंडेज फ्रिक्शन लॉस आर मोर। ठीक है, उसमें आपका विंडेज फ्रिक्शन लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। और बेटा विंडेज फ्रिक्शन लॉस स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ज्यादा है तो भी उसकी इफिशियंसी क्या होगी, कम होगी। जिस पॉइंट को भी मैं द विंडेज लॉस इन द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आर मोर देन द स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर देयरफोर द इफिशियंसी efficiency of square that is slip ring induction motor is less than the squirrel cage induction motor. Slip ring induction motor की efficiency क्या होती है, squirrel cage induction motor से कम होती है। एक और important point लिखेंगे, जो आपके विंडेज लॉस होते हैं, विंडेज फ्रिक्शन लॉस जितना तेजी से रोटर रोटेट करेगा उतनी तेजी से उसके सराउंडिंग में एयर भी रोटेट करेगी, तो उतना ही ज्यादा वो पोजीशन क्या करेगी, अप्लाई करेगी। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी आपके शाफ्ट की उतनी ज्यादा फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होगी। ठीक है, तो जैसे आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हैं, बाइक धीमी स्पीड से चला रहे हैं तो विंडेज लॉस आपको कम लगता है, हवा कम लगता है, फ्रिक्शन विंडेज लॉस। अगर आप जो है रोटर की स्पीड जितनी ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा ये लॉस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ऊपर भी जाके लिखेंगे आपको तीनों लॉस समझ में आने चाहिए कि कौन सा लॉस कहां पर होता है। ठीक है, ऊपर जाके लिखेंगे यहां पर विंडेज लॉस मैथमेटिकली अगर लिखना चाहूं तो विंडेज लॉस जो होते हैं, विंडेज लॉस दैट इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनल टू होते हैं एनआर क्यूब के। अगर आपसे बोला जाए कि आपके टोटल मैकेनिकल जो फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस, ये दोनों मैकेनिकल लॉस है, तो व्हाट इज द टोटल मैकेनिकल लॉस इन द इंडक्शन मोटर, टोटल मैकेनिकल लॉस होंगे फ्रिक्शन लॉस प्लस विंडेज लॉस। क्यों इनको मैकेनिकल लॉस बोलते हैं, वी विल डिस्कस इन द क्लास टुमारो। ठीक है, इसको जहां नीचे करके लिखेंगे, क्यों इनको मैकेनिकल लॉस ही बोल रहे हैं, क्यों हम इनको इलेक्ट्रिकल लॉस नहीं बोल रहे हैं, क्यों बता, लॉसेज आर कॉल्ड द मैकेनिकल लॉस। तो टोटल मैकेनिकल लॉस अगर आपसे पूछा जाए, नीचे जाके लिखेंगे In the induction motor, the total mechanical loss in the induction motor, the total mechanical loss is equal to sum of the
फ्रिक्शन लॉस प्लस विंडेज लॉस, विंडेज लॉस। दैट इज अगर कोई पूछे व्हाट इज द मैकेनिकल लॉस इन द इंडक्शन मोटर, तो आप लिखेंगे मैकेनिकल लॉस इन इंडक्शन, मैकेनिकल लॉस इन द इंडक्शन मोटर इज नथिंग बट इक्वल टू फ्रिक्शन लॉस प्लस विंडेज लॉस। अब कल हम इसको डिस्कस करेंगे क्यों हम इन लॉस को मैकेनिकल लॉस का नाम बोल रहे हैं और कौन कौन से लॉस हमारे इलेक्ट्रिकल लॉस होते हैं, और उसके बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ऐसा कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करने है इसलिए इसको मैकेनिकल लॉस बोला, ऐसा कुछ नहीं। फ्रीक्वेंसी से रिलेशन है बिकॉज स्पीड एंड फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल, केवल एक चीज है डिस्कस करने के लिए, जो मैंने आपको डायग्राम बनवाया था, इस डायग्राम में मैं आपको हर एक चीज बता चुका हूं कि कौन सा मटेरियल किसके लिए यूज करते हैं, हर एक चीज। केवल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का एडवांटेज दिखाना बाकी है और स्क्वायरल केज और स्लिप रिंग रोटर के बीच में क्या कंपैरिजन होगा, और उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटेड ईएमएफ और ईएमएफ की इक्वेशन कल ड्राइव करेंगे, और कल हम लोग जो है आपका कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन पूछे नहीं, कल मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चन करवाऊंगा और इसी से रिलेटेड होने वाले हैं सारे 50 क्वेश्चन, ठीक है। डिटेल में इसलिए पढ़ाया, ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा, कल मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, आज मैं यहाँ था नहीं इसलिए मैंने ऑनलाइन क्लास ली है, ठीक है। ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, 1 बजे से क्लास रहेगी जो है, ठीक है। अच्छा, आपकी आज जो है क्या कहते हैं सिंक्रोनस वाली क्लास नहीं है क्योंकि सर को थोड़ा सा काम है तो वो चले गए हैं, तो कल आपकी सिंक्रोनस की क्लास होगी, अब आपकी कोई भी क्लास नहीं है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, नाउ यू कैन बी रिवाइज योर डीआरडीओ, है ना। कुछ लोग बोल रहे हैं डीआरडीओ रिवाइज करना है, कल आपकी क्लास ऑफलाइन ही चलेगी इंडक्शन की, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।